चलो फिर हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जी। केटीजी हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, और केटीजी के कंसेप्ट से हमने मेन जो चीज सीखा था वो ये था कि इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कैसे करते हैं। वो मेन चीज जो था वो डेरिवेशन में था, और उसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स मैंने आपको गैस लॉ से रिलेट करके करवाए थे। अदरवाइज जो बाकी चीजें हैं वो आपको पहले से ही पता है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज जस्ट यहाँ पे थर्मोडाइनिक्स में हम क्या करेंगे, हीट से रिलेट करके, जैसे किसी एक सिस्टम होती है, कोई भी एक गैसीय सिस्टम होती है, उसमें जब आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हो तो उस हीट एनर्जी सप्लाइड से बेसिकली आप क्या करते हो, उस सप्लाइड एनर्जी से मैकेनिकल वर्क आउटपुट में जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जहाँ पे आप हीट का कन्वर्जन मैकेनिकल वर्क और वाइस वर्सा, मतलब मैकेनिकल से हीट में उसका कन्वर्जन भी आप आपस में करवा सकते हैं। तो इस ब्रांच के बारे में हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेन चीज जो होगा आपका सिनॉप्सिस में अगर बात करें तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, जैसे एक चेम्बर कंसिडर कर रहे हैं, गैस को हमें बंद करना है तो एक चेम्बर कंसिडर कर लिया हमने। लेट अस से हमारे लिए चेम्बर है कि जिसमें हमने गैस को फिल अप कर रखा है, और इस चेम्बर में मान लो यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन भी लगा रखा है हमने। ये हमारा पिस्टन है, मूवेबल है, स्लाइडेबल। नॉर्मली अगर आप मतलब आइडियल सिचुएशन की बात करेंगे तो कहीं पे भी फ्रिक्शन अज्यूम मत करना अंटिल अनलेस स्पेसिफाइड। अगर स्पेसिफाई होगा तो फ्रिक्शन अज्यूम करेंगे, अदरवाइज हमेशा मान के चलेंगे कि वॉल्स के बीच में और स्लाइडेबल पिस्टन के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। सो ये स्मूथ पिस्टन हम मान के चल रहे हैं, दिस इज स्मूथ पिस्टन। अब इसके अंदर गैस फिल्ड अप है, सो दिस इज एट अ सर्टेन प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। फिर क्या करते हो आप, यहाँ पे इमेजिन करो कि आपने यहाँ पे इसको हीट करना स्टार्ट किया। हीट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे आप डायरेक्टली हीटा कॉइल अंदर में लगा लिया आपने, और हीटा कॉइल के थ्रू अगर आप करंट पास करोगे तो वो गर्म होगा, तो फिर उसके इसमें टेम्परेचर बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने से वो क्या होगा, थर्मल रेडिएशन एमिट करेगा, तो वो थर्मल रेडिएशन जो है वो अंदर का जो सिस्टम है वो अब्सॉर्ब करता चला जाएगा। तो हीटिंग इफेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप इसको फर्नेस में बिठा के भी हीट कंडक्शन करवा सकते हैं। तो इन ईदर वेज मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे इस हीटर कॉइल को लगा के मैंने क्या किया, यहाँ से हीट इस सिस्टम को देना शुरू किया है। सो ये रेडिएशन होके यहाँ पे ये इसको हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे हीट प्रोवाइड होगा तो फिर क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। तो थर्मल एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि उसकी टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं आप और एक सर्टन वॉल्यूम दे रखा है आपने, तो उस केस में उसका प्रेशर जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा। अब अगर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा तो उस केस में बाहर का प्रेशर अनचेंज है और अंदर का आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो थोड़ा सा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर पुश होगा। बट जैसे ही पिस्टन ऊपर पुश होगा तो फिर उस केस में वापस से अगर बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, जैसे इस केस में तो बाहर में एक्सपोज टू एटमोसफियर दिख रहा है, हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं है, तो बाहर में अगर एक्सपोज टू एटमोसफियर है तो बाहर का तो प्रेशर आप चेंज नहीं कर सकते, तो पिस्टन जैसे ही थोड़ा सा बाहर पुश होगा तो वापस से तुरंत से वो क्या होगा, प्रीवियस प्रेशर पे आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है तो वापस से प्रेशर डिक्रीज करके वो प्रीवियस वैल्यू पे आ जाएगा। तो बेसिकली पिस्टन जो होगा वो धीरे 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 करके रेज होता जाएगा। धीरे धीरे रेज होने का मतलब उसका अंदर और बाहर का जो फोर्सेस है वो हमेशा बैलेंस है, मतलब नेट फोर्स उस पिस्टन पे हमेशा ही आपकी जीरो दिखेगी आपको, नहीं तो वो एक्सलेट करके जंप करके चला जाता। तो हीटिंग जो है वो स्लो प्रोसेस होती है, आप जैसे जैसे हीट देते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो उससे थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा तो उसको पुश करेगा आगे की तरफ, बाहर का प्रेशर अगर कॉन्स्टेंट है तो वापस से जैसे ही थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा तो वापस से प्रेशर प्रीवियस वैल्यू पर ड्रॉप कर जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही ये शिफ्ट करता चला जाता है। तो जिस ये है कि मान लेते हैं कि अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि बाहर में कोई प्रेशर वेरिएबल भी हो सकता है, तो उस केस में यहां से मान लेते हैं कि हमने क्या किया, इसको इधर से इधर शिफ्ट भी करवा दिया है, तो पिस्टन जो है वो हमारा डिस्प्लेस कर चुका है, इट हैज गॉन सर्टेन डिस्टेंस अप। तो ये पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो मान लेते हैं, लेट से कुछ नॉमेनक्लेचर्स में कुछ कंडीशंस हम चूज कर लेते हैं, लेट से कि डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू द गैसियस सिस्टम, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम। सिस्टम जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये हमारा गैस चेंबर है, ठीक है, गैस गैस को ही हम अपना सिस्टम मान रहे हैं, ठीक है। ये जो डेल्टा क्यू हम कह रहे हैं कि ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम है, तो सप्लाइड में हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अगर आप कभी भी सिस्टम से एक्सट्रैक्ट करोगे हीट एनर्जी को तो उस केस में आपको नेगेटिव के साथ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे किसी ने बोला है कि मैं सिस्टम से 50 जूल बाहर निकाल लिया हीट एनर्जी,
तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली आप डेल्टा क्यू की वैल्यू -50 लेंगे, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू दिस सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, सो इफ इट इज एक्सट्रैक्टेड आउट इट विल ऑटोमेटिकली सर बिकम ये नेगेटिव। मतलब डेल्टा क्यू मतलब डिफरेंस इन हीट एनर्जी। नहीं डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस है बेसिकली इनपुट और आउटपुट का, आप ये कह सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने हाँ 100 हाँ जूल 100 जूल ऑफ हीट एनर्जी दिया और 40 जूल निकाल लिया, तो उस केस में डेल्टा क्यू इज बेसिकली गिवन माइनस टेकन आउट, तो 100 माइनस कितना 40 बोला शायद मैंने, तो 100 माइनस 40 मतलब 60 ले लेंगे उसको, समझ आ रही है आपको? ठीक हाँ है, यहाँ पे डेल्टा क्यू चेंज को इंडिकेट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको ये पता है ना कि हीट एनर्जी किसी के अंदर स्टोर नहीं हो सकता, कि आपको पता है ना ये, हाँ पता है, तो डेल्टा क्यू इज नॉट, ऑलवेज इन ट्रांसमिट। हाँ ऑलवेज इन ट्रांजिशन दिखता है ये, तो जो फ्लो करता है उसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है इज नॉट यूज्ड टू इंडिकेट द चेंज, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द नेट ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी टू द गैस। सो इफ इफ क्यू वन इज गिवन टू द गैस एंड क्यू टू इज टेकन आउट टू द फ्रॉम द गैस, सो डेल्टा क्यू विल बी क्यू वन माइनस क्यू टू। ठीक है, तो उसको लिख भी देता हूँ फिर आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। हियर डेल्टा क्यू इज नॉट चेंज इन हीट एनर्जी, चेंज इन हीट एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है, ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट है, दिस इज मीनिंगलेस स्टेटमेंट। डेल्टा क्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज क्यू इन माइनस क्यू आउट, क्यू इन मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम एंड क्यू आउट मतलब हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम। सर बोलिए बेटा। सर व्हाट डू मीन बाय हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम? एक्सट्रैक्टेड मतलब जैसे वॉल्स अगर कंडक्टिंग है, मान लो कि वॉल्स कंडक्टिंग है, तो फिर तुम अगर कुछ हीट एनर्जी अगर दोगे तो वॉल्स के थ्रू बाहर भी तो हीट एनर्जी निकल जाएगा ना, यस सर। तो फिर वो एक्सट्रैक्टेड आउट हो गया। अगर वॉल्स अगर अगर इमेजिन करो वॉल्स जो है वो आपका परफेक्ट इंसुलेटर का बना हुआ है, तो क्या हीट एनर्जी वहां से बाहर निकलेगा? नो नहीं निकलेगा, तो उस केस में कोई एक्सट्रैक्टेड वाला कंपोनेंट नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, सो ये डेल्टा क्यू हमने क्या किया, इसको प्रोवाइड किया है, तो हीट एनर्जी का जो हमने जो उसको सप्लाई किया है उस वो दो पार्ट में इन्वेस्ट होता है। द सप्लाइड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज इन्वेस्टेड इन टू पार्ट्स, वन इज टू इंक्रीज द टेम्परेचर विच इज इनडायरेक्टली सेइंग दैट वी आर इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, क्योंकि आपको पता है ना कि इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस किस पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहे हो, तो ये इंटरनल एनर्जी चेंज किसके एक्सपेंस पे हुआ? आपने जो हीट एनर्जी सप्लाई किया उसी के एक्सपेंस पे तो हुआ, क्योंकि एनर्जी आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप बस ट्रांसफर कर सकते हैं उसको, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो हमने उसको हीट एनर्जी दिया, इस हीट एनर्जी को यूज करके उस गैस ने क्या किया, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लिया, बट एक सर्टन पार्ट वो उसने जो भी उसका सराउंडिंग था, गैस का जो भी सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग के अगेंस्ट पिस्टन को पुश करने में भी तो इन्वेस्ट किया है, क्योंकि पिस्टन का अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब कि गैसियस सिस्टम ने उस पिस्टन के ऊपर एक वर्क भी किया है, तो वो वर्क किसके एक्सपेंस पे किया, वो वापस से जो उसको सप्लाइड हीट एनर्जी थी उसी के एक्सपेंस पे हुआ है। तो बेसिकली जो आपकी सप्लाइड एनर्जी है हीट एनर्जी, वो दो पार्ट में इन्वेस्ट हो रही है, और एक पार्ट आपका एनर्जी का चेंज कर रहा है और दूसरा पार्ट आपका मैकेनिकल वर्क कर रहा है। क्या आपको बात समझ आ रही है? समझ आ रही है आपको? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड टू द गैस, अच्छा नेट अमाउंट लिख लेते हैं, ठीक है नेट अमाउंट, ताकि वो सप्लाइड एंड एक्सट्रैक्टेड उनका डिफरेंस ले लें। The net amount of heat energy supplied to the gas is invested in two parts. Pehla, increasing the internal energy. And dusra, performing work on piston against the surrounding. ठीक है, अब एक लॉजिकल सा चीज लगता है कि आप अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, सो देयरफॉर फ्रॉम सिंपल सी एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन
कि हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू की वैल्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होनी चाहिए, कह सकते हैं क्या? Yes. है ना, ये जो इक्वेशन लिखा है हमने, ये सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आपने केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है अभी तक या नहीं पढ़ा है? पढ़ लिया है. क्या फर्स्ट लॉ डिफरेंट है वहां पे हमारे जैसा ही है या डिफरेंट है? सर डिफरेंट. क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है वहां पे? वहां पर डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू था. हाँ, मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू था, है ना? यस सर, दैट्स राइट. हां सर, आप अगर केमिस्ट्री में बात करेंगे, केमिस्ट्री में डेल्टा क्यू की वैल्यू को आप ऐसे लिखते हैं, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू लिखते हैं. अब जो थ्योरी है सबके लिए अलग अलग थोड़ी है. आप फिजिक्स में पढ़ो या केमिस्ट्री में पढ़ो, सब तो एक ही होना चाहिए ना, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अलग अलग हो गया ना ये तो, बेसिकली ये तो अलग अलग चीज हो गया. फिजिक्स में हम अलग पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में अलग पढ़ रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, एकदम बिल्कुल सेम है. बस ये चीज आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज वो कह रहे हैं और हम क्या चीज कह रहे हैं. मैंने क्या बताया यहाँ पे, दिस इज मतलब W क्या क्वांटिटी है, W इज द वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग. बोला ना मैंने आपको, देखो मैंने क्या लिखा है, परफॉर्मिंग वर्क ऑन द पिस्टन अगेंस्ट द सराउंडिंग. इसका मतलब कि वर्क डन बाय द गैस है ऑन द सराउंडिंग. बट जब आप केमिस्ट्री में लिखते हैं ना डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू माइनस W, तो आप ये जो W लिखते हो ना, दैट इज वर्क डन ऑफ द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. आप याद करो. तो पिस्टन अगर एक्सेलरेट नहीं करती है तो फिर जो सराउंडिंग जो गैस पे वर्क करेगा, इजंट इट ऑब्वियस कि गैस जो है वही सेम वर्क नेगेटिव में दूसरे सराउंडिंग के ऊपर करेगा, इजंट इट? गेटिंग इट? इसलिए वो माइनस का डिफरेंस है. बट ये ध्यान रखना कि केमिस्ट्री के कंसेप्ट से करो या फिजिक्स के कंसेप्ट से करो, लॉ एक ही है. कि आपको बात समझ आई है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो सर. ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि इससे तो कोई मतलब नहीं है मुझे. बट मैंने आपको फिर भी बता दिया, क्योंकि ये चीजें आप पढ़ते हो तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो विल स्टिक टू दिस कन्वेंशन की डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है. जहां पे यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना, डब्ल्यू इज वर्क डन बाय गैस. ठीक है, बाय को मैं ध्यान रखने के लिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, बाय द गैस on surrounding, on piston basically. ठीक है, डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. आप ये बताओ कि इसमें इन तीनों में सबसे आसान कौन है कैलकुलेट करना, इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी में डेल्टा क्यू डेल्टा यू एंड डब्ल्यू सबसे आसान कौन है कैलकुलेट करना? सेट डब्ल्यू डेल्टा यू सेट डब्ल्यू W Set Q. आप लोग कितने डेल्टा U, आपको ये याद है कि U जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन था? U जो एक स्टेट फंक्शन था, याद है? हाँ सर. हाँ इसको पाथ से कोई लेने देना नहीं है, इसको पाथ से कोई लेने देना नहीं है. तो ऐसा कोई चीज जिसको पाथ से कोई लेने देना नहीं है, सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो है टेम्परेचर. तो उसको छोड़ के आपको बाकी सब आसान लग रहा है. डेल्टा यू को छोड़ के W आसान लग रहा है, डेल्टा क्यू आसान लग रहा है, ऐसा क्यों? हाँ? बताओ मुझे. डेल्टा यू का फॉर्मूला तो आपको याद है ना, डेल्टा यू क्या था? एन इंटू सीवी सीवीडीटी. इसको आपने एन इंटू एफ आर बाई टू इंटू डेल्टा टीवी लिखा था, याद है आपको? राइट है ना? हाँ सर. ये तो एकदम फिक्स फॉर्मूला है, इसके लिए तो कोई चेंज ही नहीं है. आप कोई भी गैस ले लो, कोई भी प्रोसेस ले लो, आपको हर बार यही यूज करना है, सेम फॉर्मूला. दिस इज irrespective of the process involved. कोई भी प्रोसेस हो, कहीं से भी कहीं जा रहे हैं, ये हर बार आपको यही करना है ना? राइट तो इंटरनर्जी का चेंज निकालना सबसे आसान है, सबसे आसान इंटरनर्जी का चेंज ही निकालना है, क्योंकि इसमें और कुछ करना ही नहीं, आपको बस यही कर लेना है. अगर इसको पीवी के टर्म्स में आप लिखना चाहते हैं तो पीवी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. जैसे ऑल्सो ये डेल्टा यू को ही सोचो, अगर कोई ऐसे लिखे डेल्टा यू को लिख रहे हैं F by 2 लिख लिया, इसको एन आर इंटू डेल्टा टी कर लिया, तो एन आर डेल्टा टी को कैसा लिख सकते हैं? दिस इज F by 2 इंटू डेल्टा ऑफ पीवी. लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं? यस सर.
सर मतलब इसको बेसिकली एफ बाई टू इंटू पी टू वी टू माइनस ऑफ पी वन वी वन ऐसा भी ले सकते हैं, सेम चीज ही है। आपको क्या पता है उसके अकॉर्डिंग है, मतलब अगर आपको टेम्परेचर पता है सबसे आसान तो यही है कि टेम्परेचर के टर्म्स में लिख लो, बाकी तो प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है ये। यस सर। ठीक है, अब आते हैं वर्क पे। ठीक है, मैं इसके बारे में इतना डिटेल्स हमने लास्ट क्लास में किया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप बता देंगे जल्दी से। चलो अभी कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू पे आते हैं। डब्ल्यू तो W निकालने का, सिंस ये मैकेनिकल वर्क आप कैलकुलेट कर रहे हो तो W निकालने का तरीका क्या होता है, याद है आपको? FDX and then integrated from X1 to X2, यही करते हैं ना, किसी एक displacement position X1 से final position X2 पे चले गए, यही करते हैं? Yes, करते नहीं करते? इस केस में सोचो, इस केस में यहाँ पे जो हमने पिस्टन बना रखा है, इस पिस्टन के ऊपर जो फोर्स आ रही होगी इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? प्रेशर इंटू एरिया करोगे, नहीं करोगे? राइट करेंगे, मतलब जो भी प्रेशर है, अब ये प्रेशर वेरिएबल भी तो हो सकता है, अगर प्रेशर वेरिएबल है तो पी इंटू ए करके फोर्स निकाला एंड फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज प्रेशर इंटू एरिया डी एक्स एंड दिस मल्टीप्लाइड विथ, सॉरी दिस इंटीग्रेटेड फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू। अब ये बताओ मुझे, ये ए डी एक्स वॉल्यूम बन गया ना, डीवी बन गया नहीं? हाँ सर। और अब आप इसको वॉल्यूम V1 से V2 तक इंटीग्रेट कर लो, वॉल्यूम का लिमिट लिख लेंगे, तो ये हो गया काम खत्म। सो आपको यहाँ पे बेसिकली जब भी वर्क कैलकुलेट करना है तो FDX की तरह नहीं, आपको PDV की तरह सोचना पड़ेगा। What you'll have to think of is PDV. आपको वर्क कैलकुलेट करना है तो PDV का इंटीग्रेशन करना है। ग्राफिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या आएगा? ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, राइट? दिस इज सेम एज सेइंग दिस इज एरिया अंडर PV curve, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर का जो एरिया आएगा ये बेसिकली वही होगा। इसमें ये चीज का भी ध्यान रखना, जैसे सिंस आप ये सोच के देखो, लॉजिकली एक चीज सोचो, अगर मैं गैस के वर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है, गैस इज परफॉर्मिंग वर्क ऑन पिस्टन, तो ये गैस का वर्क पॉजिटिव कब होगा, एक्सपेंशन में या कॉम्प्रेशन में? गैस का वर्क, लॉजिकली सोचो, पहले से क्या पता है ये मत सोचो, अभी सोचो कि गैस का वर्क आप पॉजिटिव कब लोगे, एक्सपेंशन में या कॉम्प्रेशन में? एक्सपेंशन में, क्यों? क्योंकि फोर्स आउटवर्ड्स है एंड डिस्प्लेसमेंट भी अगर आउटवर्ड हुआ तभी तो एक्सपेंशन होगा, है ना? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर मैच करेगा तभी तो पॉजिटिव आता है ना, इसका मतलब एक्सपेंशन में गैस जो है वो पॉजिटिव वर्क करता है और कॉम्प्रेशन में क्या है, नेगेटिव वर्क करता है, राइट? तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब हम एरिया लेंगे तो एरिया लेते वक्त आप ये जरूर ध्यान रखना कि एक्सपेंशन हो रही है या कॉम्प्रेशन हो रही है, क्योंकि एक्सपेंशन में वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, एंड कॉम्प्रेशन में वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आपको बात समझ आ रही है? यस सर। हां सर। वर्क ग्रेटर देन जीरो इन एक्सपेंशन, ये ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री में ठीक उल्टा, रीजन पता है ना आपको? हां सर। ठीक है, रटने का जरूरत नहीं है, लॉजिकली सोचो, अगर मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं तो सराउंडिंग का जो प्रेशर होगा वो अंदर की तरफ होगा और गैस बाहर की तरफ एक्सपेंड कर रहा है, तो सराउंडिंग का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उल्टा है या नहीं, राइट? और अगर उल्टा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव तो आएगा ही, तो इसीलिए एक्सपेंशन में सराउंडिंग का वर्क नेगेटिव आता है, वही डिफरेंस है। ठीक है, इसको मैं एक बार डायग्राम में भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर ले रहे हैं आप और यहाँ मान लो वॉल्यूम ले रहे हो और गैस आपका एक स्टेट यहाँ से ए से बी में जा रहा है, मान लो एरो मार्क देखो, इससे पता चल रहा है एक्सपेंशन हो रहा है या कॉम्प्रेशन हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। हमेशा एरो मार्क पे ध्यान देना, अल्फाबेट्स पे नहीं। जैसे अल्फाबेट कोई ऐसा भी लिख सकता है, इधर बी लिख दिया इधर ए लिख दिया, बट इसका मतलब थोड़ी है कि ए से बी जा रहा है। गैस कहां से कहां जा रहा है, बी से ए या ए से बी जा रहा है? तो अल्फाबेट्स मत रटना सर, सर बी से ए लिखा, सर यहाँ तो ए ऊपर लिखा है बी तो नीचे लिखा है, इसका मतलब ए से बी जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपका एरो मार्क हमेशा डिसाइड करेगा कि गैस किधर से किधर जा रहा है। आपको समझ आ रही है? ठीक है, हाँ सर। तो ये वाली वॉल्यूम हम मान लेते हैं V1 है और ये वाली वॉल्यूम हम मान लेते हैं V2 है। ठीक है, तो इसके नीचे का ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाली एरिया, ये एरिया आपका वर्क डन होगा। क्लियर है? यस सर। सो इसको ए मार्क कर रहे हैं, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू प्लस ए और माइनस ए, प्लस है। ठीक है, इसी में उल्टा कर लेगा
ये बेसिक चीजें हैं। देखो अगर आप ये सब चीजें समझोगे ना तो आगे के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी टैकल कर पाओगे। ये ए, ये बी, नाउ दिस इज वी वन, दिस इज वी टू। आपको दिख रहा है कंप्रेशन हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। फाइनल वॉल्यूम अगर इनिशियल वॉल्यूम से छोटी है इसका मतलब है कंप्रेशन हो रही है, और कंप्रेशन में गैस ने क्या किया होगा, नेगेटिव वर्क किया होगा। सो इफ दिस एरिया इज ए, so work done should be, क्या लिखेंगे आप, minus of a, getting it? Yes sir. Yes sir. Yes sir. एक में just the screen froze. ठीक है, अभी यहाँ चेक करो। एक और चीज आपको समझ में आनी चाहिए, जैसे पॉइंट ए और बी को फिक्स कर दें और ए और बी के बीच में हम जो पाथ ले जा रहे हैं, जिस पाथ के थ्रू गैस को लेके जा रहे हैं, अगर वो चेंज कर दें तो हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी वर्क है वो चेंज हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। राइट, मतलब अगर मैं ऐसे सिचुएशन की बात करूं, देखो जैसे मान लो यहाँ पे ये पी, ये वी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और कोई गैस को अगर इधर से लेके जाए, इसको कह रहा है वो पाथ वन है, और कोई इधर से लेके जाए वो कह रहा है पाथ टू है, तो क्लियरली दोनों के नीचे का जो एरिया है वो तो डिफरेंट है ना। आई गेटिंग इट, सबको समझ आ रही है? इसके नीचे का एरिया ये वाला है, ये वाली एरिया है, और इसके ऊपर का जो एरिया है ये वाला पोर्शन। Supposedly मैंने डायग्राम में यहाँ पे कुछ मार्किंग कर रखी है, आप देखो यहाँ पे, let us say this area is A1 and this area is A2. तो work done in path one, कित क्या लिखोगे आप? A1 plus A2. Good, A1 plus A2. And work done in path two, कितनी लिखोगे आप? A2. Just A2. I hope it's clear, ठीक है ना, सबको समझ आ रही है? Yes sir. Yes sir. आपको clearly पता चल रहा है कि work is a path dependent quantity. Work is a path dependent quantity. Unlike internal energy, which is just a state function. मतलब यहाँ पे अगर delta u लिखते हैं आप, तो delta u in path one would have been equal to delta u in path two, है ना? Right? हाँ sir. ठीक है। अच्छा ये बात अगर आपको समझ आ रही है तो आप एक चीज का आंसर करो, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ वॉल्यूम, मान लो हमने गैस को स्टेट ए से स्टेट बी पे लेके गए, ठीक है, और इस गैस के लिए हमने वर्क पूछा है आपसे कि गैस ने कितना वर्क किया है, इसके लिए कुछ वैल्यूज मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, एरिया का कुछ वैल्यू मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ, आप उस एरिया के टर्म्स में आंसर बताएंगे। तो जैसे ये वाला एक पोर्शन है, दिस इज वन पोर्शन ऑफ एरिया, फिर ये एक दूसरा पैच ऑफ एरिया, एंड ये एक तीसरा पैच ऑफ एरिया। इस एरिया को मैं A1 कह रहा हूँ, इसको A2, इसको A3 कह रहा हूँ, मुझे वर्क डन इन पाथ A2B चाहिए, बताइए क्या होगी? सोचिए अपना आंसर, सोचिए, और जिसको स्ट्राइक कर रहा है बताइए क्या करना? सर A1 प्लस A2 प्लस A3। अच्छा मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक एक करके आप बताना कि किसका किसका क्या ऑप्शन आ रहा है। A1 प्लस A2 प्लस A3 किसी एक ने बोला है सर, A1 सर, A3। ओके, किसी एक ने A3 बोला है सर, A1 प्लस A3 प्लस 2 A2। A1 प्लस A3 प्लस 2 A2, ओके,
और सर ए टू सर ए थ्री माइनस ए वन ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए वन सर ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए वन हाँ ये तो लिख दिया ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए वन तो लिख दिया और कोई कॉम्बिनेशन सर आई थिंक आई वुड लाइक टू चेंज माय आंसर हाँ बोलो सर आई थिंक इट विल बी ए थ्री माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए वन ही करेक्ट आंसर है जस्टिफाई करो सर फ्रॉम लाइक इन द फर्स्ट वन ए वन एंड ए टू द कर्व इज लाइक इट इज अ नेगेटिव वॉक डन हाँ मतलब यहाँ पे एक काम करते हैं यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं आपको नॉमेनक्लेचर को फिर से आसान होगा इसको मान लेते हैं इसको सी है ठीक है तो ए से सी तक है ना ये कह रहे हैं यस सर इसको ब्रेक करें तो ए से सी पहले चले जाएं क्योंकि ए से सी में कॉम्प्रेशन हुआ है फिर सी से बी में चले जाएं यहाँ पे एक्सपेंशन है ए से सी का वर्क कितना लिखेंगे हम माइनस ए वन प्लस ए टू गुड माइनस ऑफ ए वन प्लस ए टू फिर वर्क डन इन सी टू भी क्या लिखेंगे दैट विल बी ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए टू ए टू प्लस ए थ्री यस सर That's it. A2 यहाँ से cancel out हो गया. And what you are left over with is A3 minus A1. हो गया. Clear है? समझ आई सभी को? हाँ सर. ठीक है. इतने लोगों ने गलत किया सोचो. Okay. एक और try करते हैं. यहाँ pressure ले रहे. यहाँ volume and imagine करो कोई एक cyclic process मैंने दिखा रखा है. चलो इसके लिए बताओ लेट अस से दिस इज ए वन एंड दिस इज ए टू अभी बताओ इसके लिए वर्क डन क्या होगा मतलब ये इसके लिए एक साइक्लिक प्रोसेस है मतलब जहां से स्टार्ट करें वहीं पे खत्म कर दें दिस इज साइक्लिक प्रोसेस बताइए माइनस ए वन गुड माइनस ए वन होगा ये समझ आ रहा है सबको ऊपर वाले पोर्शन में कंप्रेशन है तो कंप्रेशन का वर्क क्या हो गया ए वन और ए टू का सम विद अ नेगेटिव साइन राइट और एक्सपेंशन तो नीचे वाला कर्व है तो नीचे वाले में जो एरिया आ रहा है वो तो सिर्फ ए टू का है तो एक्सपेंशन में ज्यादा कम वर्क हुआ है और कंप्रेशन में ज्यादा वर्क हुआ है तो ओवरऑल तो नेगेटिव ही होगा ना तो साइक्लिक प्रोसेस में एरिया अंडर द साइकिल इज द वर्क डन एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल हुआ तो नेगेटिव एंड क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा समझ आइए सभी को क्लियर है आपको हां सर हां सर हां सर इसमें हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया है या हीट एनर्जी सप्लाई टू द गैस है इस साइक्लिक प्रोसेस में हीट एनर्जी एक्सट्रैक्टेड है या गिवन टू द गैस है एक्सट्रैक्टेड गुड एज डेल्टा क्यू की वैल्यू हम क्या लिखते हैं डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू और इंटरनर्जी तो स्टेट फंक्शन है तो इंटरनर्जी अगर स्टेट फंक्शन है तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस आपने लिया है तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि डेल्टा क्यू की वैल्यू आएगी क्या आएगी डब्ल्यू आएगी ना राइट है ना हाँ सर और अगर डब्ल्यू लेस देन जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ डेल्टा क्यू भी तो लेस देन जीरो हुआ इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला हीट इज एक्सट्रैक्टेड आउट राइट Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे analytical questions आप इसमें expect कर सकते हैं ठीक है अगर यही cyclic process होता पूरा उल्टा हो जाता cyclic process में sorry clockwise cycle अगर होता तो उल्टा हो जाता क्योंकि clockwise में expansion में ज्यादा power का था तो उसके इसमें plus हो जाता ये तो उसके इसमें heat देना पड़ता आपको system को clear है yes sir ठीक है okay. इसी question में एक और improvisation कर सकते हैं ऐसा कुछ let us say यहाँ पे कुछ values भी mark कर देते हैं एंड से मैंने आपको ये कह दिया है कि दिस इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल इन द शेप ऑफ अ सर्कल ये दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है ठीक है
एंड इसे वैल्यूज भी मार्क कर देते हैं, यहाँ पे वी वन, यहाँ पे वी टू, यहाँ पे पी वन, यहाँ पे पी टू. और उसने पूछा है आपसे कि वर्क डन बाय गैस विल बी, अब इसमें ऑप्शंस दिया है, पहला नेगेटिव ऑफ सॉरी पाई इंटू पी टू माइनस पी वन बाय टू इंटू वी टू माइनस वी वन बाय टू. दूसरा ऑप्शन नेगेटिव ऑफ पाई इंटू पी टू माइनस पी वन बाय टू एंड इसका स्क्वायर. तीसरा ऑप्शन है नेगेटिव ऑफ पाई इंटू वी टू माइनस वी वन बाय टू एंड इसका स्क्वायर. एंड चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. बताओ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज. ऑप्शन एक कोई नहीं, ऑप्शन फोर बोला, और किसका क्या है? सिर्फ एक ने बोला है ऑप्शन फोर. ऑप्शन फोर. ऑप्शन फोर पक्का? हाँ सर. सर बोलिए. SI unit of work done will be joule only, right? Good. Good. You're going in the right direction. So, you're going in the right direction. So, so then I think it will be, it will not be option four. Good. ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा आएगा? Option one आएगा. क्योंकि ये जो दो values हैं, these are dimensionally incorrect. है या नहीं है? हाँ sir. That's the only clue I got. That's a correct clue you got. ये तो dimensionally incorrect है. आप second and third option को अगर देखोगे तो pressure का square है एक में और एक में volume का square है. क्या work का value pressure का square से मिलता है या volume का square से मिलता है dimensionally? No sir. नहीं, that's it. तो इसका मतलब वो गलत हो गए. So आपको सिर्फ और सिर्फ numerical value तो नहीं check करना होता है ना, आपको तो उसका unit भी तो check करना होता है. करना होता है ना? Yes sir. जैसे सही मिनट के स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई. ठीक है ना, समझ आ गई सबको एग्जांपल? क्या सबको एग्जांपल समझ आ गई है? हाँ सर. किसी को कोई भी कंफ्यूजन है क्या? चलो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है. एक और एग्जांपल देखते हैं. मान लो किसी ने ऐसा एक सिचुएशन दे रखा है हमें, यहाँ प्रेशर और यहाँ वॉल्यूम एंड गैस मान लो आपका स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहा है, ठीक है. एंड द क्वेश्चन आस्क्स in moving from state A to state B, work done by the gas, options hai, continuously increases, option B, continuously decreases, option 3, increases then decreases, option 4, decreases then increases. बताइए कौन सा होगा? So continuously increases. Justify करिए अपने आंसर को बेटा. जस्टिफाई करिए. सो इफ वी डिवाइड दैट ग्राफ इनटू टू पार्ट्स देन एंड टेक अ पॉइंट सी देन ए टू सी भी मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. गुड. के लिए वर्क डन मतलब इंक्रीज होगा और वो भी मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है.
तो बीच में आपको कोई एक पॉइंट नीचे, मतलब जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको चूज करने की जरूरत नहीं था, आप कंटिन्यूअसली जो आपने जस्टिफिकेशन दिया ना बेटा वो परफेक्ट है, बट इसमें ही बस ये बोलिए ना कि आप जब आप ए से बी जा रहे हो तो वॉल्यूम तो लगातार ही बढ़ा है, वॉल्यूम तो कहीं नहीं घटा है, है ना, बस इतना ही बोलिए। हाँ फोर्स का वैल्यू घट गया है फिर बढ़ा है, जैसे आप प्रेशर देखोगे पहले डिक्रीज करके फिर इंक्रीज कर रहा है। दिस इज सिमिलर टू सेइंग जैसे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा हूँ राइट की तरफ और डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ ही हो रहा है, मेरा अप्लाइड फोर्स भी राइट की तरफ है, बट पहले मैं ज्यादा बड़ा फोर्स लगा रहा हूँ फिर बाद में थोड़ा फोर्स छोटा कर रहा हूँ फिर बढ़ा रहा हूँ, ये वेरिएबल फोर्स लगा रहा हूँ, बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में है तो वर्क तो पॉजिटिव आएगा ना, है ही नहीं है, और वो लगातार बढ़ेगा। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, सो इसमें सिंस वॉल्यूम लगातार इंक्रीज ही कर रही है तो एरिया ऑफ स्ट्रिप तो ऐड ही होगा ना, क्या एरिया ऑफ स्ट्रिप का भी सब्ट्रैक्ट होगा क्या, ये सोच के देखो, कहीं कॉम्प्रेशन होता तभी तो एरिया सब्ट्रैक्ट करते ना, है ही नहीं है, समझ आ रही है आपको? सर। तो कंटीन्यूअस इंक्रीजिंग का जस्टिफिकेशन क्या है, सिंस वॉल्यूम इंक्रीजेस कंटीन्यूअसली, दैट्स इट। अगर कहीं पे कंप्रेशन होता तो डेफिनेटली आप बोलते कि वर्क जो है वो आपका घट भी रहा है, बट सिंस लगातार पॉजिटिव है तो उस केस में आपका डेफिनेटली वो पॉजिटिव ही आएगा। बढ़िया ही, चलो वर्क के बारे में तो आपको समझाया कि कैसे कैलकुलेशन करना है, अब आते हैं डेल्टा क्यू पे। डेल्टा क्यू की वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो अभी आपने इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जैसे कभी भी किसी भी एक सब्सटेंस को सॉलिड एंड लिक्विड का ही हमने बात किया था, गैसेस के साथ तो वहां पे हमने डील नहीं किया था, तो कोई भी सॉलिड हो या लिक्विड हो तो उसको जब हम हीट ट्रांसफर करते थे डेल्टा क्यू की वैल्यू, तो वो डेल्टा क्यू की वैल्यू को हम कैसे निकालते थे, याद है आपको? मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू टेंपरेचर चेंज, याद है? राइट, एम एस डेल्टा टी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, बस यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि जैसे सॉलिड्स हैं लिक्विड्स हैं तो उनमें जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ना वो ज्यादा चेंज नहीं होती है, और वो जो है वो एक प्रोसेस डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं होती है, क्योंकि प्रोसेस चेंज करने से जैसे अगर मैं एक यू नो जैसे लिक्विड्स हैं चाहे सॉलिड्स हैं वो उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं वो लोग, तो इस वजह से उसमें आप मतलब जो वॉल्यूम में चेंजेस आप देखोगे तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल देखते हैं, जबकि यहाँ पे हम गैसेस के साथ जब डील करते हैं तो गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में हम उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हीट एनर्जी वो एक डिफरेंट क्वांटिटी आता है, मतलब अगर सेम टेम्परेचर चेंज भी आपको करना है तो। सो ये जो डेल्टा क्यू है ये प्रोसेस डिपेंडेंट क्वांटिटी है पूरा का पूरा, तो इस वजह से आपको क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है, मतलब प्रोसेस स्पेसिफिक बातें करनी पड़ती है कि हम कौन से प्रोसेस के थ्रू गैस को लेके जा रहे हैं, तो जिस प्रोसेस के थ्रू लेके जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप, बस यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि वहां पे हम मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म्स में लिखते हैं, यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म्स में आंसर लिखते हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। सो ऐसे ही कुछ मान लेते हैं, लेट से लेट एस बी दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एस बी दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस for a certain process in which temperature changes by delta T. Then, अगर आपको delta Q की value लिखनी है तो आप ऐसे लिखेंगे, this is mass into specific heat capacity into delta T. इसी को अगर आप number of moles के terms में लिखना चाहते हैं तो फिर उस केस में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे अगर नंबर ऑफ मोल्स मान लो आपके पास n है और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर c है तो इसको n c डेल्टा t भी लिख सकते हैं, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज n into c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए लिख रहे हैं एंड into डेल्टा t लिखेंगे, दिस n ओवर हियर इज नंबर ऑफ मोल्स, एंड ये जो c लिखा है यहाँ पे दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको, ये m यहाँ पे मास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो लिखी दिया ऑलरेडी, s आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो यहाँ पे ये जो s और c है। हाँ बोलिए मैडम। सर मोलर मतलब मोलैरिटी के टर्म से लिखना पड़ेगा, तो मोलैरिटी क्यों, मोल्स लिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, मोलर लिख रहे हैं इसलिए बताया मैंने, ये तो नाम है उसका। ओ
अरे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो जैसे एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, वैसे ही मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल के लिए कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। अच्छा मुझे लगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, वो आपको निकालना सीखना पड़ेगा। ओके सर, आई जस्ट मिसअंडरस्टूड इट टू बी मोलैरिटी, सॉरी। ठीक है, सो अभी आप क्या करोगे, जैसे इसमें अगर आप चाहते हो इनके बीच में रिलेशन, तो ये रिलेशन भी आप निकाल सकते हैं। मास को आप नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो। क्या हम मास को नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में n into capital M लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? Yes, sir. हाँ, sir. And इसी को n c into delta t हो गया। ये m यहाँ पे molar mass है, this is molar mass. अगर आप notice करोगे तो n कट गया, delta t भी कट गया, तो यहाँ से आपको जो c मिल गई है, that is molar mass multiplied with specific capacity मिल गई है। I hope आपको समझ आ रही है। यस सर। ठीक है, तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में रिलेशन हो गया। आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, सॉलिड लिक्विड के लिए। गैसेस के लिए भी ये डिपेंड करता है, बेसिकली उसके एटोमिसिटी पे डिपेंड करता है और प्रोसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस के थ्रू गैस को लेके जा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ये चीजें आप अभी आगे सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको बस ये सिखाया है कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये फाइंड आउट करना सिखाया है। ठीक है, ठीक है, अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। हियर द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अ प्रोसेस डिपेंडेंट क्वांटिटी फॉर अ गिवन गैस, फॉर अ गिवन गैस। दस इफ सी प्रोसेस, सी के सब्सक्रिप्टिव प्रोसेस लिख रहे हैं, इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इन अ गिवन प्रोसेस, देन डेल्टा क्यू की वैल्यू को आप लिख सकते हैं सिंपली एन इंटू सी फॉर द प्रोसेस इंटू डेल्टा टी। तो ये एक तरीका हुआ हीट एनर्जी को निकालने का। बट एक दूसरा तरीका भी है, अगर मान लेते हैं कि आपको स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं पता है, मतलब सी फॉर द प्रोसेस जो हमने लिखा है ये आपको नहीं पता है, तो अब ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट है आपका फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में आप सोचो डेल्टा यू और डब्ल्यू, ये दोनों तो निकालना आपने सीख लिया ना ऑलरेडी। डेल्टा यू का एक ही फॉर्मूला है एन सी वी डेल्टा टी, और डब्ल्यू निकालना अभी आपने सीखा है कि आप ये तो या तो आप इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन ऑफ एफ पी डी वी करके कैलकुलेट करते हैं, या फिर अगर ग्राफिकली दिया हुआ है तो फिर आप बेसिकली एरिया अंडर द कर्व लेते हैं, करते हैं ना, राइट? तो आपने डेल्टा यू निकाल लिया है, आपने डब्ल्यू भी निकाल लिया है, उनको ऐड कर दो तो डेल्टा क्यू मिल ही जाएगा आपको, है ना, समझ आएगी आपको? हाँ सर। सो इफ द सी प्रोसेस इज नॉट नोन, इफ द सी प्रोसेस इज नॉट नोन, देन वी कैन यूज फर्स्ट लॉ टू गेट डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू कैसे मिल जाएगा, डेल्टा क्यू विल बी डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, दैट्स इट। और ये तो निकालना आपने सीख ही लिया है। ठीक है, समझ आइए सभी को? यस सर। ठीक है, मतलब ये जो डेल्टा क्यू है ये आपने ऑलरेडी सीखा, दिस वाज एन सी वी इनटू सॉरी डेल्टा टी, एंड दिस डब्ल्यू वाज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी व्हिच वाज आल्सो इक्वल टू एरिया अंडर पी वी कर्व। ठीक है, चलो अभी बेसिक्स तो आपने सीखा है, अब इसके आगे कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस की बात करते हैं, कुछ जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली, सम स्टैंडर्ड प्रोसेसेस। थोड़ा सा स्कूल अप करेंगे, आप थोड़ा सा वेट करेंगे क्लास खत्म होने का? हाँ सर। ठीक है, सो अभी पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं।
आइसोथर्मल जैसे ही हम कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना? हाँ सर, टेम्परेचर कांस्टेंट राइट। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैंने बोला कि डेल्टा टी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो डेल्टा टी अगर जीरो लिखे या टेम्परेचर कांस्टेंट लिखे, क्या ये सेम चीज है या डिफरेंट चीज है? सेम चीज है, सेम सेम चीज है, सेम चीज है या नहीं है? मतलब टेम्परेचर थ्रू आउट कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब मैं ऐसा ही लिख रहा हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट और एक डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, ये दोनों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, मैं ये बोल रहा हूं, या दोनों करेक्ट है? सर टी इक्वल टू कांस्टेंट करेक्ट है, ये करेक्ट है, दिस मे और मे नॉट बी करेक्ट, जस्टिफाई करो उसमें सर, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में हर एक पॉइंट में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। गुड, बट जबकि डेल्टा टी इक्वल टू जीरो कह रहे हैं तो आप सिंपली क्या मीन कर रहे हैं, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से मैच कर रहा है, इजंट इट? हाँ, बीच में टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर सकता है, yes. जो एक्सेप्टेबल नहीं है। गुड, डेल्टा टी इक्वल टू, डेल्टा टी का मतलब क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और इसको अगर आप जीरो कह रहे हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर इज मैचिंग विद इनिशियल टेम्परेचर, बट वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑफ दी स्टेजेस इन बिटवीन, एंड हेंस वी कैन नॉट बी श्योर, वी कैन नॉट बी श्योर दैट द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। समझ आइए, सबको समझ आइए? हाँ सर, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कहीं पे भी चेंज नहीं करनी चाहिए, और डेल्टा टी इक्वल टू जीरो का मतलब इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर बस सेम है, और वो दोनों तो अलग अलग चीजें हैं। आई होप आपको समझ आ गई ये बात। हाँ सर, ठीक है, ओके। टेम्परेचर कांस्टेंट अगर किसी ने कह रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसी को आप क्या ऐसा भी लिख सकते हो कि पीवी कांस्टेंट है, पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, कह सकते हैं ना, राइट? यस सर, इसको उसका प्रोसेस इक्वेशन कहते हैं, दिस इज प्रोसेस इक्वेशन। मतलब अगर आपने पीवी इक्वल टू कांस्टेंट लिख दिया है तो किसी को भी पढ़ के ये समझ आ जाएगा कि बेसिकली एक ये बेसिकली एक आइसोथर्मल प्रोसेस ही है, तो इसको प्रोसेस इक्वेशन भी कहते हैं, दिस इज प्रोसेस इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको ग्राफिकली अगर हम ड्रॉ करें तो कैसा दिखेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ना होगा ना? हाँ, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो एक वैल्यू अगर बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, असिम्प्टोटिकली ये दोनों कर्व को टच करेंगे ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस को, राइट? हाँ सर, ऐसा ही कुछ होगा। सो दिस इज एन आइसोथर्म, ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है एक आइसोथर्म है, इसमें टेम्परेचर हर जगह कॉन्स्टेंट है। ऐसा ही अगर एक और आइसोथर्म ड्रॉ करें तो इससे शिफ्टेड होगा पैरेलली, ऐसा कुछ होगा। सो ये आपका एक दूसरा आइसोथर्म है, दोनों ही असिम्प्टोटिकली यू नो दोनों वर्टिकल एक्सिस को और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करना चाहिए। किसी ने अगर ऐसा आइसोथर्म ड्रॉ कर दिया, क्या ये सही होगा? किसी ने बोला ये आइसोथर्म है, ये आप जस्टिफाई कर सकते हैं सही है गलत है? गलत गलत है, क्यों गलत है सर? वो पी एक्सिस को टच, दोनों पॉइंट पे पी, मतलब बेसिकली ये प्रेशर एक्सिस को टच ही कहाँ कर रहा है, प्रेशर एक्सिस को इन्फिनिटी पे जाके टच करना चाहिए, वॉल्यूम एक्सिस को भी इन्फिनिटी पे जाके टच करना चाहिए, वो तो हो ही नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं है, तो ये वियर्ड है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, जब ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा केयरफुली ड्रॉ करेंगे। सो दीज आर कॉल्ड एज आइसोथर्म्स, ओह सॉरी, दीज आर नोन एज आइसोथर्म्स, इसको जो हमने ड्रॉ कर रखा है दीज आर आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स मतलब उनमें टेम्परेचर हर जगह आपको सेम मिलेगी। लेट अस से ये एक टेम्परेचर टी वन आइसोथर्म है और ये एक टेम्परेचर टी टू आइसोथर्म है, हाई टेम्परेचर पे कौन होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप ऐसे बोलेंगे कि कोई एक फिक्स्ड वॉल्यूम पे, देखो बेटा आपने जो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बोला ना वो सही है अगर आप एक कंडीशन लगाएंगे कि वॉल्यूम फिक्स किया है ना। तो अगर सर वॉल्यूम फिक्स करेंगे तो ऊपर का ग्राफ है, सही कह रहे हैं, हायर पोजीशन में है, सही कह रहे हैं आप, अगर हम वॉल्यूम को फिक्स कर देते हैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे जाते हैं तो उस केस में प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आप कह सकते हैं, तो जहां पे ज्यादा प्रेशर है वहां पे ज्यादा टेम्परेचर भी होगा, तो इसे आप श्योर होकर कह सकते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है, तो हायर आइसोथर्म जो होगा बेसिकली वो आपका हायर टेम्परेचर पे होगा, क्लियर है? क्लियर है,
सर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि पीवी कांस्टेंट है सर, पीवी का एरिया ऊपर वाले में ज्यादा इसलिए टी ज्यादा है ऊपर वाले में। पीवी अगर कांस्टेंट है तो दोनों के नीचे का एरिया क्या, फिर से बोलो एक बार। पी डीवी से एरिया मिलता है, सुनो एक चीज अभिलाष, पी डीवी का इंटीग्रेशन से एरिया मिलता है या पीवी का प्रोडक्ट से एरिया मिलता है? पी डीवी का इंटीग्रेशन से। और तुम जो बोल रहे हो क्या सेम चीज है या अलग चीज है? नहीं नहीं गलत है। अब ये होता है, चलो ठीक है आपने प्रोसेस इक्वेशन आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है आपने प्रोसेस इक्वेशन देख लिया है, आपने ग्राफ भी देख लिया। अब इस पे आते हैं कि ये प्रोसेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे कई बार आपको क्वेश्चंस में ऑलरेडी बोल दिया होगा उसने मुंह से, मतलब क्वेश्चन के बारे में बोल ही देंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। कई बार आपको बोलेंगे नहीं डायरेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस है, आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज को देख के आइडेंटिफाई करना होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है या नहीं है। सो क्या ऐसा चीज आपको दिया होना चाहिए क्वेश्चन के लैंग्वेज में इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आइसोथर्म वर्ड नहीं ऐड करेंगे, या अब ये मत बोल देना टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट बोलने का मतलब आइसोथर्मल है। तो आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि आइसोथर्मल है, आपको कुछ एक ऐसा दिया चीज होगा क्वेश्चन में जो कि देख के आपको पता चल जाएगा कि ये आइसोथर्मल है। ऐसा क्या दिया होना चाहिए बताओ। बताओ सर, दो सिचुएशन का पीवी दे दिया वहां से कांस्टेंट हो जाएगा प्रोडक्ट ऐसे। दो सिचुएशन का पीवी दे दिया, तो पीवी अगर दे दूंगा मैं इनिशियल एंड फाइनल का, तो इससे आइसोथर्मल कंक्लूड ड्रॉ कर लोगे आप। सर पीवी का प्रोडक्ट अगर, हाँ तो इनिशियल पीवी का प्रोडक्ट एंड फाइनल पीवी का प्रोडक्ट अगर सेम है तो इससे आइसोथर्मल कंक्लूड कर लोगे आप। सर बॉयल्स रूल फॉलो करेगा सर, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो नहीं। ये ओहो, तुम तो ऑब्वियस सी चीजें बात कर रहे हो। क्वेश्चन में कभी ऐसा बोल देगा कि इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो है, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं सर। तो फिर सो क्वेश्चन क्या सॉल्व करने के लिए देगा जब तुमको क्वेश्चन में बोल ही देगा? तो देखो इसमें क्या चीज सोचना है तुम्हें, जैसे इमेजिन करो कि वो जो कंटेनर है जिसको हम हीट कर रहे थे, ठीक है वो कंटेनर इमेजिन करो एक डायथर्मिक वॉल का बना हुआ है। डायथर्मिक का वॉल का मतलब क्या था याद है आपको? जिसमें हीट कंडक्शन अलाउ होता है, मतलब कि गैस से सराउंडिंग और सराउंडिंग से गैस दोनों की तरफ हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं हो सकता बट हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। तो अगर डायथर्मिक वॉल से बना हुआ है मान लो, ठीक है आप गैस को हीट करते हो, तो हीटिंग एक स्लो प्रोसेस है, अचानक से कोई चीज गर्म नहीं होती है, ग्रेजुअली गर्म होती है। बट यहाँ पे गर्म होने का स्कोप ही नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि आप जब इसको गर्म करना शुरू करोगे तो कंडक्टिंग वॉल अगर दे रखा है मैंने आपके लिए, तो कंडक्टिंग वॉल होने का मतलब क्या है कि अंदर से बाहर की तरफ हीट एनर्जी का फ्लो होना, राइट है ना? राइट हाँ सर। और वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही तो होता है। तो जैसे ही डीटी अमाउंट से टेम्परेचर राइज करेगा, डीटी अमाउंट से टेम्परेचर राइज किया तो उस केस में वॉल के थ्रू कंडक्शन होके वापस से क्या होगा, हीट एनर्जी बाहर निकल जाएगा तो वापस से टेम्परेचर प्रीवियस आ जाएगा। तो टेम्परेचर बेसिकली काजिस्टेटिकली अगर देखोगे तो वो टेम्परेचर जो है वो आपको इंस्टेंटेनियसली कभी चेंज होता हुआ दिखेगा ही नहीं। अगर टेम्परेचर आपके सराउंडिंग का फिक्स्ड है, सराउंडिंग मतलब कि बेसिकली एटमॉस्फेयर की तरह सोचो, कोई एक इनफाइनाइट सोर्स या सिंक ऑफ हीट है, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ सिंक या सिंक ऑफ हीट, जैसे हमारा ओपन एटमॉस्फेयर है तो वो एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ हीट है, आप उसको जितना हीट एनर्जी दे दो उसका क्या टेम्परेचर कभी चेंज होगा? आप एक कैंडल जला दोगे, कैंडल जला दोगे तो क्या वहां पे मतलब जो है मतलब हमारे रूम का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? बताओ नहीं सर। नहीं, ठीक है। तो ओपन टू एटमॉस्फेयर जब हम बात करते हैं ना, कोई भी चीज अगर ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो वो एक इनफाइनाइट सोर्स और सिंक ऑफ हीट है। तो उस केस में अगर वॉल्स को आपने कंडक्टिंग ले रखा है तो अंदर और बाहर का टेम्परेचर वो हमेशा सेम रहेगा या नहीं रहेगा? समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ऐसा सिचुएशन दिखे कहीं पे भी जहां पे आपको ये पता चलता है कि वॉल्स ऑफ कंडक्टर जो कंटेनर है वो कंडक्टिंग है, तो आप समझ जाना कि अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर हमेशा सेम रहने वाला है। क्या आपको बात समझ आई है? क्या आपको समझ आई ये बातें? यस सर। हाँ सर। सो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? इफ द वॉल्स ऑफ पिस्टन और कंटेनर आर डायथर्मिक और कंडक्टिंग, then slow heat transfer
can take place between system and surrounding and hence the surrounding matlab atmosphere ki baat kar rahe hain theek hai being an infinite source as well as sink of heat. Its temperature cannot be changed. Thus, inside temperature will always match with surrounding temperature. Thus, isothermal. समझ आ गई आपको? लॉजिक समझ आई है? Yes, sir. हाँ, sir. ठीक है. अभी आते हैं कैलकुलेशन पे. Sir, why did we take a sink instead of a metal trough? क्या? फिर से बोलिए. क्या सिंक मेटल ट्रफ से कुछ डिफर करता है? मैं ये पूछ रहा हूँ. नहीं नहीं, सिंक नहीं. सिंक का मतलब है कि कोई एक ऐसा चीज जिसको आप दे सकते हैं हीट. सोर्स मतलब जिससे ले सकते हैं. ओ अच्छा, मतलब वो बेसिन टाइप का नहीं है. नहीं 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 नहीं, अरे क्या बेसिन नहीं. अरे बेस क्या, इसमें जमा करके रखोगे हीट को? नहीं नहीं सर, वही पूछ रहा था. ये सिंक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं. ठीक है, अभी कैलकुलेशन पे आते हैं. So since you know, ये ध्यान रखो कि अब मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ आइसोथर्मल के लिए कर रहा हूँ. तो डेल्टा यू की वैल्यू हमारे लिए एन सी वी डेल्टा टी थी, एंड डेल्टा टी जीरो है ना, है नहीं है. टेम्परेचर तो चेंज नहीं कर रहा है, राइट? हाँ सर. तो डेल्टा यू भी आपका जीरो हो जाएगा. चलो डेल्टा यू तो जीरो आ गया. अब वर्क की बात करते हैं. वर्क के सब्सक्रिप्ट में मैं टी लिख रहा हूँ जस्ट टू इंडिकेट कि आइसोथर्मल प्रोसेस है. इसको लिखोगे तो आप इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी लिखोगे, और इसमें जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो V1 से V2 वॉल्यूम तक आप इंटीग्रेट करोगे. आपको पता है प्रेशर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत है. प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे nRT by V लिखा, एंड dV के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके V1 से V2 तक इंटीग्रेट कर लिया. nRT एक कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो nRT को बाहर निकाला, एंड यहाँ पे ln of V2 by V1 आ गया. इसी को चाहो तो आप प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हो, तो nRT into ln of P1 by P2 भी हो जाएगा, क्योंकि PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट है. तो यहां से आपको वर्क डन बाय गैस मिल चुकी है. क्लियर है? देखो एक बार चेक कर लो. हाँ सर. ठीक है, तो यहां से आप आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको वर्क कैलकुलेट करना भी आ गया. ठीक है, इंटरनर्जी का चेंज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया. इंटरनर्जी तो सबसे आसान है, ये तो एकदम बिल्कुल पानी की तरह है, एक ही फॉर्मूला है, कुछ अलग फॉर्मूला ही नहीं आता. तो ये भी मिल गया. अब हम फर्स्ट लॉ को यूज करके डेल्टा क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डेल्टा क्यू की वैल्यू अगर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, एंड डेल्टा यू खुद जीरो है. तो इसका मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस मैच करेगा या नहीं करेगा? हाँ सर. करेगा? हाँ सर. ठीक है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू डब्ल्यू से मैच कर जाएगी. तो डब्ल्यू का एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी आपने निकाल लिया, तो जो डब्ल्यू का एक्सप्रेशन आपने निकाला है वही एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका? डेल्टा यू का, डेल्टा क्यू का भी हो जाएगा. क्लियर है? हाँ सर. ठीक है, ओके. हाँ सर. अच्छा, सपोजली यहाँ पे ऐसे सोचो कि अगर मान लो कि आपको इस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू पूछे, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए निकाले तो उसको ऐसे लिखेंगे ना, एन इंटू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए सी एंड सबस्क्रिप्ट में टी लिख रहे हैं इंटू डेल्टा टी. ऐसा लिखना चाहिए मुझे? लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए. तो सी फॉर द प्रोसेस के लिए आप क्या लिखोगे? 1 by n into delta q divided by delta t. Delta q तो एक finite quantity है क्योंकि work finite है, but delta t तो zero है ना? Yes sir. और अगर delta t zero है, इसका मतलब molar specific heat capacity
इनफाइनाइट हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा, मोलर स्पेसिफिकेट कैपेसिटी इसकी इनफाइनाइट को टेंड करेगी। तो अगर आपको पूछा जाए कि मोलर स्पेसिफिकेट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कितनी है, तो कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये फाइनाइट होता तो फिर उस केस में, अब आपको सोचो कि फाइनाइट होता तो उस केस में आप टेम्परेचर का चेंज सोच के देखो, आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है बट डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा टी जीरो है बट डेल्टा क्यू जो है वो पॉजिटिव है, ऐसा सोचो, तो वियर्ड नहीं लग रहा है आपको? तो ये तभी पॉसिबल होगा, एक चीज अगर जीरो को टेंड कर रहा है तो दूसरा अगर इनफाइनाइट को टेंड करे, तो उस केस में बेसिकली प्रोडक्ट को वो क्या कर रहा है, वो सिग्निफिकेंट बना रहा है। समझ आ रही है आपको? वैसा कुछ सोचो। गेटिंग इट? ठीक है, तो जिसका ध्यान रखना। अच्छा, मान लो किसी ने ऐसा एक स्टेटमेंट कहा, ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप जस्टिफाई करना कि सही है गलत है। इफ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू फॉर एनी अननोन प्रोसेस, मैं प्रोसेस आपको नहीं बता रहा हूँ, एनी अननोन प्रोसेस, कोई भी अननोन प्रोसेस है, फॉर एनी अननोन प्रोसेस, देन मैं कंक्लूड कर रहा हूं प्रोसेस इज आइसोथर्मल। क्या सही कंक्लूजन है या गलत है? आपको ट्रू फॉल्स स्पेसिफाई करना है। फॉल्स है। क्यों? सर डेल्टा यू तो साइक्लिक प्रोसेस में भी जीरो हो जाता था। मान लो साइक्लिक नहीं है, मैंने बता दिया साइक्लिक नहीं है, अभी बताओ। बोलो बोलो। नहीं समझ आ रहा? अच्छा ये बताओ, डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू दे रखा है, इसका मतलब डेल्टा यू जीरो है? हाँ, डेल्टा यू जीरो होने का मतलब डेल्टा टी जीरो है, राइट? इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर है, बट क्या आपको बीच के स्टेजेस के बारे में पता है? नहीं। तो फिर एक ही चीज को मैंने घुमा फिरा के पूछा तो आप फिर फंस गए, है ना? Yes. तो क्या बोलेंगे, या आइसोथर्मल है या नहीं है, क्या बोलेंगे? प्रोसेस मे और मे नॉट बी आइसोथर्मल। समझ आई आपको? देखो देखो, आइसोथर्मल है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू है, बट अगर डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू है तो श्योर होके नहीं कह सकते आप आइसोथर्मल है। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। इसमें देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ बोलो बेटा। सर साइक्लिक प्रोसेस में क्या दिक्कत होता? ये साइक्लिक प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोगों को लगता है कि अगर साइक्लिक नहीं हुआ तो नहीं होगा ये, मतलब उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस में ही इसका कॉन्ट्रडिक्शन, और कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हाँ सर, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है? मतलब साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो सही हो जाता, मतलब अगर डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू फॉर एनी अननोन प्रोसेस देन प्रोसेस इज आइसोथर्मल, गलत हो जाता मतलब बेसिकली। अरे बाबा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस ही नहीं है जो इसकी जिसकी वजह से ये फॉल्स हो रहा है, मैं बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस होता तो फॉल्स कैसे होता। अरे साइक्लिक प्रोसेस में तो डेल्टा क्यू डब्ल्यू है ही, तो प्रोसेस आइसोथर्मल कैसे हुआ? साइक्लिक प्रोसेस में तो लगातार टेंपरेचर चेंज कर रहा है। हाँ सर, हाँ सर, मैं वो ध्यान नहीं दिया। जैसे इसमें देखो, इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के ना वो ऐसे पूछ सकते थे, जैसे इमेजिन करो टी फाइनल और टी इनिशियल अगर सेम है, इसका मतलब कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अगर मैं बोलूं सेम आइसोथर्म पे लाई कर गया है, यहां से इसका मतलब क्या है? इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट लाई ऑन सेम आइसोथर्म, देन तब तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं ना कि प्रोसेस वोंट बी आइसोथर्मल, won't be isothermal,
as temperature changed in between. Changed in between. मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दूं तब आपको बेटर समझ आएगा. जैसे इमेजिन करो यहाँ पे प्रेशर ले रहे हैं और यहाँ सोचो आप वॉल्यूम ले रहे हो, और आपने गैस को क्या किया है, स्टेट ए से स्टेट में मान लो लेके, स्टेट ए से स्टेट बी में लेके गए हो. यहाँ पे स्टेट ए है और यहाँ पे मान लो स्टेट बी है. ये तो आइसोथर्म नहीं है, दिख रहा है आपको? ये आइसोथर्म है क्या? नहीं सर. आइसोथर्म का शेप क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट? है ना? बट इमेजिन करो कि अगर मैं एक ऐसा आइसोथर्म ड्रॉ करूं जो पॉइंट ए से भी पास कर जा रहा है और पॉइंट बी से भी पास कर जा रहा है, ऐसा तो पॉसिबल है ना? हाँ सर. तो इसका तो टेम्परेचर हर जगह सेम है, तो उस केस में पॉइंट ए पे टेम्परेचर जो है पॉइंट बी पे मैच कर गया, नहीं कर गया? मजा रही है. तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में आप देखो मल्टीपल पाथ ड्रॉ कर सकते हो, मल्टीपल पाथ. हर एक पाथ में सोचो आप एक चीज देखोगे, अगर हर एक पाथ में आपका इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर क्या है, सेम है. दिख रही है आपको? समझ आ रही है? सो हर एक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू है. आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना कि अगर आइसोथर्मल कह रखा है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू है, बट अगर डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू है तो प्रोसेस आइसोथर्मल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. क्लियर है? बात समझ आई है सभी को? ठीक है. अगर मान लो कि इसमें सपोज लिए अगर ऐसा एक क्वेश्चन सोचो, एक छोटा सा एप्लीकेशन देखो इसमें. यहाँ वॉल्यूम ले रहे हैं और यहाँ पे मान लो प्रेशर ले रहे हैं. इमेजिन करो मैंने वैसा एक सिचुएशन दिखा रखा है, गैस को स्टेट ए से स्टेट बी लेके गए और मैंने आपसे पूछा है फ्रॉम ए टू बी टेम्परेचर कैसे चेंज किया है. फ्रॉम ए टू बी ऑप्शन है टेम्परेचर इंक्रीज किया कंटिन्यूअसली, दूसरा टेम्परेचर डिक्रीज किया कंटिन्यूअसली, तीसरा टेम्परेचर इंक्रीज देन डिक्रीज किया, और चौथा डिक्रीज देन इंक्रीज किया. कौन सा होगा? कौन सा होगा? ये तो अभी सीखा है आपको. इंक्रीज देन डिक्रीज, ऑप्शन थ्री. ऐसे कुछ आइसोथर्म्स ड्रॉ करो, अपने आप आपको अंदाजा मिलेगा. ये अगर T1 आइसोथर्म है और ये अगर T2 आइसोथर्म है, कौन सा बड़ा है? T2 ग्रेटर देन T1 है? T2 ग्रेटर देन T1. इसका मतलब इधर का टेंपरेचर अगर लिखें, ये देखो इधर का टेंपरेचर लिखें, ये T1 है, यहाँ का टेंपरेचर T2 है, यहाँ का टेंपरेचर T2 है और यहाँ का टेंपरेचर T1 है, तो पहले टेंपरेचर क्या हुआ है? बढ़ा है ना? है ना? टेंपरेचर पहले बढ़ा है और उसके बाद फिर घटा है, और किसी एक पॉइंट पे क्या हुआ होगा? मैक्सिमम भी तो हुआ होगा ना? है ना? हाँ सर. मैक्सिमम ऐसे जगह पे होगा जहां पे आपका वो टेंजेंट होके निकल जाएगा. समझ आ रही है आपको? क्लियर है? हाँ सर. ठीक है. एक और छोटा सा एग्जांपल देखो आप. A gas is taken from a certain initial state A to a certain final state B once and C the next time as shown.
यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर. सी दिस इज स्टेट ए, दिस इज स्टेट बी, दिस इज स्टेट सी. इट इज नोन दैट पी बी इंटू वी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू वी सी. देन predict in which path greater heat was absorbed by the gas. ठीक है, अभी आपको predict करनी है. हर एक कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप वो समझते हैं या नहीं समझते. देखो यहाँ पे उसने पी बी इंटू वी बी का प्रोडक्ट पी सी इंटू वी सी से मैच करा रखा है. इसका मतलब यहां से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते थे कि टेम्परेचर ऑफ बी एंड टेम्परेचर ऑफ सी सेम है ना. हाँ सर. इसका मतलब पॉइंट बी एंड सी लाई ऑन सेम आइसोथर्म है ना. यस सर. पॉइंट बी एंड सी लाई ऑन सेम आइसोथर्म, एक ही आइसोथर्म में लाई करते वो. ठीक है. अच्छा एक चीज देखो, पॉइंट ए तो वैसे ही दोनों पाथ के लिए कॉमन है, तो अगर हम डेल्टा यू कैलकुलेट करते, डेल्टा यू इन पाथ ए बी कैलकुलेट करते और डेल्टा यू इन पाथ ए सी कैलकुलेट करते, तो ये सेम आता ना. आता ही नहीं आता. हाँ सर. ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें सिंपली आपको एन सी वी डेल्टा टी यूज करना होता, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है. बस ये चीज है कि आपका टेम्परेचर चेंज सेम है, तो इसलिए आपका ये सेम ही आएगा. ठीक है, अब इंटरनर्जी का चेंज सेम है, तो अब आपको डेल्टा डेल्टा क्यू जब कंपेयर करना है, तो डेल्टा क्यू को आप कैसे लिखते हो, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिखते हो. तो डेल्टा यू अगर सेम हो चुका है और डेल्टा क्यू को कंपेयर करना है, तो ऑब्वियसली आपको क्या कंपेयर करना है, डब्ल्यू को ही कंपेयर करना है ना, है या नहीं है. इससे आपको ये कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर वर्क बड़ा होगा, तो इससे आप ये डायरेक्टली कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे कि डेल्टा क्यू भी बड़ा होगा. तो अब आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए डब्ल्यू को कंपेयर करने का. W का कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपको पता है ग्राफिकली वर्क कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व से, राइट? यस यस. तो अगर मैं यहां से एक लाइन एक्सटेंड करूं और यहां से एक लाइन एक्सटेंड कर रहा है, देखो फिर यहां से एक लाइन एक्सटेंड कर रहा है, तो एक चीज दिख रहा होगा आपको कि एक पोर्शन ऑफ एरिया है जो कॉमन है दोनों के लिए. कौन सा? ये वाला पोर्शन देखो, दिख रहा है आपको? यस सर. ये कॉमन एरिया है. तो डिस्प्यूट कौन से एरिया पे है? ए से बी का जो ऊपर में एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, और ए से सी के अंदर जो एक अनशेडेड पोर्शन रेक्टेंगल ट्रेपेजियम टाइप का दिख रहा है ना, है ना? हाँ सर. हाँ सर. तो आपको कंपेयर कौन सा करना है? बस वही वाला पोर्शन जो बच रहा है उनको ही कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, इनको ही कंपेयर करना है आपको कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. ओहो, फिर से स्क्रीन फ्रीज कर गया. ठीक है, तो ये देखो ब्लू कलर से मैंने शेड करके दिखा रखा है, मुझे बस उनको ही कंपेयर करके सोचना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है. ठीक है ना. अब मैं यहाँ पे वैल्यूज को चूज कर लेता हूँ, कुछ वैल्यूज चूज कर लेते हैं. अच्छा, बी का प्रेशर वॉल्यूम तो दिया हुआ है, सी का भी प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है. अभी ए का प्रेशर वॉल्यूम को हम लोग कुछ चूज कर लेते हैं. लेट अस से दिस इज पी ए एंड वी ए, ऐसा चूज कर लेते हैं. इनके तो आपको ऑलरेडी पता है पी बी वी बी, एंड इनके भी पता है आपको पी सी वी सी. ओके, वर्क डन इन ए बी पहले लिख रहे हैं. ठीक है, वर्क डन इन ए बी पाथ. क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, दिस विल बी इक्वल टू ए बी के नीचे में जो पाथ आ रहा है वो पूरा का पूरा पाथ, वो कौन सा है? देखो तो एक ट्रेपेजियम आ रहा है ना, ए बी के नीचे जो पूरा पाथ है, पूरा पाथ जो वर्टिकल लाइन दो खींचे हुए हैं, उसके नीचे तो एक ट्रेपेजियम ही है. हां सर. ट्रेपेजियम का एरिया इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, सो हाफ ऑफ पी ए प्लस पी बी मल्टीप्लाइड विद वी बी माइनस वी ए, राइट? यस सर. इसको ए लिख रहे हैं, सो दिस इज हाफ ऑफ
PA plus PB into VB minus of V हो जाएगा, ठीक है? Similar तरीके से work done path AC निकालेंगे. So this will be half of PA plus PC into VC minus of VA. सही लिख रहा हूँ इसको? देखो check करो. Clear है? Yes sir. ठीक है. ओके okay. अब इनमें से कौन सा बड़ा है आपको पता नहीं है, देख के तो पता नहीं चल रहा है. तो बेस्ट तरीका पता है क्या होता है कि जब भी ऐसे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं ना और आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप क्या करो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस ले लो और ये चेक करने की कोशिश करो डिफरेंस का साइन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है. अगर डिफरेंस का साइन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब पहला क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से बड़ा है. अगर डिफरेंस का साइन नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब पहला क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से छोटा है. यही तो मतलब निकलेगा ना, राइट? तो बस मैं वही काम कर रहा हूँ. अब देखो यहाँ पे, सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डब्ल्यू ए बी माइनस ऑफ डब्ल्यू ए सी कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है? सो दिस विल बी हाफ ऑफ, कॉमन आउट कर लिया और यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई कर लेते. सो दिस बिकम्स पी ए वी बी माइनस ऑफ पी ए वी ए प्लस पी बी वी बी माइनस ऑफ पी बी वी ए एंड फिर इधर से आपके पास आएगा माइनस ऑफ पी ए वी सी फिर प्लस पी ए वी ए फिर माइनस ऑफ पी सी वी सी फिर प्लस ऑफ पी सी वी ए. ठीक है, जो चीजें कटेगी वो क्या है, आपको पता है पी बी वी बी वॉज पी सी वी सी तो उसको तो कट जाएगी, तो पी बी वी बी और पी सी वी सी ये देखो ये कट गई है. फिर पी ए वी ए पी ए वी ए एंड यहाँ भी पी ए वी ए ये भी कट गई, तो बचा आपके पास हाफ ऑफ पी ए को कॉमन आउट कर लें तो ये आ रहा है आपके पास वी बी माइनस ऑफ वी सी फिर प्लस पी सी को कॉमन आउट कर ले ना वी ए को कॉमन आउट कर ले वी ए को कॉमन आउट कर ले तो ये हो जाएगा पी सी माइनस ऑफ पी बी. ठीक है, अब एक बार चेक करो इसकी साइन पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, एक बार चेक करो किसकी साइन पॉजिटिव है किसकी नेगेटिव है डायग्राम से कोरिलेट करके. वी बी माइनस वी सी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. अरे वी बी माइनस वी सी नेगेटिव. बी का वॉल्यूम तो छोटा दिख रहा है, क्या कर रहे हो? मैं पी कर दीजिए. ठीक है, ओके. पी सी माइनस पी बी नेगेटिव दिख रहा है. सी का प्रेशर बी के प्रेशर से तो कम ही है, इसका मतलब ये दोनों ही क्वांटिटी क्या आ गए, नेगेटिव आ गए. ये वाली क्वांटिटी भी नेगेटिव आ गई और ये वाली क्वांटिटी भी नेगेटिव आ गई, तो दो नेगेटिव चीजों का सम नेगेटिव ही तो रहेगा ना, राइट? इसका मतलब वर्क डन इन ए सॉरी वर्क डन इन ए बी इज लेसर देन वर्क डन इन ए सी. इसका मतलब डेल्टा क्यू इन ए बी विल ऑल्सो बी लेसर देन डेल्टा क्यू इन ए सी. क्या आपको बात समझ आई सभी को? क्लियर है सभी को? ठीक है, इसको ऐसे देखो जैसे देखने में भी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से मतलब आई व्यू से अगर देखते आई एस्टिमेशन से तो ए बी का जो ऊपर में जो छोटा सा ट्राइंगल वाला पोर्शन है उसका एरिया तो डेफिनेटली नीचे में जो ए सी के नीचे में जो ब्लू पोर्शन शेडेड है उससे तो कम ही दिख रहा है ना, है ही नहीं है डायग्राम से? हाँ सर. तो आप गेस भी करते तो सही हो जाते हैं नहीं? हाँ सर. है ना, आप गेस करते तो वैसे ही सही हो जाते हैं. तो बस ये याद रख लो कि क्योंकि इतना कैलकुलेशन वाला पार्ट शायद आपको ध्यान ना रहे बट इतना तो याद रह जाएगा ना कि इसका आई एस्टिमेशन जो है वो एक्चुअल है ना. हाँ सर. तो वो याद रख लीजिएगा. चलो ये हमने आइसोथर्मल प्रोसेस अपना कवर कर लिया है, आइसोथर्मल प्रोसेस का डिटेल डिस्क्रिप्शन हो गया हमारे लिए. अभी आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस पे. आइसोकोरिक को हम आइसोमेट्रिक भी कहते हैं. नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वॉल्यूम जो है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि P बाई टी भी कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना, राइट? तो बेसिकली आपका प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या होनी चाहिए, आपकी टेम्परेचर होनी चाहिए. ठीक है, और अगर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है
तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कैसा ग्राफ दिखना चाहिए? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना? तो यहाँ पे आप जब ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा दिखना है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा, दो अलग अलग आइसोकोर्स ड्रॉ कर रहे हैं, इनको आइसोकोर्स बोलेंगे, दीज आर आइसोकोर्स। आइसोकोर्स है। अब अगर ये आइसोकोर्स हैं तो वॉल्यूम कुछ एक मार्क करते हैं इनका, लेट अस से ये वॉल्यूम V1 का है और ये वॉल्यूम V2 का है, तो बड़ा कौन सा होगा वॉल्यूम में? सो V2। कैसे डिसाइड कर रहे हैं? सो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर टेंपरेचर कांस्टेंट है तो, मतलब एक टेंपरेचर फिक्स्ड कर ले तो लाइन खींचे तो मतलब ग्रेटर पी के लिए वी, मतलब वी वन छोटा होगा और पी जब मतलब नीचे होगा तो वी टू ग्रेटर होगा। सही कह रहे हैं, इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे, ये कांस्टेंट जो है सिंपली ऐसे सोचो पी बाई टी जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आपका एन आर बाई वी है, क्या ये कांस्टेंट एन आर बाई वी है? नहीं है। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते थे कि जो स्लोप है, मतलब ये जो स्लोप ही तो है ना, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये तो स्लोप ऑफ लाइन ही है, इसको अगर मैं tan थीटा कह रहा हूं तो tan थीटा जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय v है या नहीं है? राइट इसका मतलब अगर इधर का ये एंगल को अगर मैं थीटा 1 दिखा रहा हूं और ये एंगल को अगर थीटा 2 दिखा रहे हैं तो जिसका थीटा बड़ा होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? छोटा होगा, है या नहीं है? इसका मतलब v1 इज ग्रेटर देन v2 हो जाएगा। ठीक है, इसको बाय हार्ट रटने का जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सिस इंटरचेंज करेंगे तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, होगा ही नहीं। अगर मैं टेम्परेचर को वर्टिकल एक्सिस पे रख दिया और प्रेशर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रख दिया तो इस बार तो उल्टा रिजल्ट हो जाएगा ना, इस बार V1 छोटा हो जाएगा, V2 बड़ा हो जाएगा, होगा ना? हाँ सर। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको दे दिया, सपोजली ऐसे छोटा एक छोटा सा एप्लीकेशन दिखा रहा है, इमेजिन करो, मान लो आपको एक ऐसा सिचुएशन दिखा रखा है, मान लो यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे टेम्परेचर है और मैंने आपको एक गैस दे रखा है जो यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और मैंने आपसे ये पूछा है कि बताओ इसमें वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी वॉल्यूम इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, दूसरा है वॉल्यूम डिक्रीजेस कंटिन्यूसली, तीसरा है वॉल्यूम इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, चौथा है वॉल्यूम डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, कौन सा होगा? द फोर्थ वन। क्यों? बिकॉज़ फ्रॉम ए टू बी इफ वी लाइक इफ वी जॉइन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन टू द ओरिजिन, ओके, एंड देन द थीटा इट इज इन द थीटा इज डिक्रीजिंग, एंड it means the slope is decreasing and that means the v is constantly decreasing. अब इस बार देखो हमने जो एक्सिस लिया है वो उल्टा लिया है, दिख रहा है आपको, t को ऊपर कर दिया, v को, p को नीचे कर दिया, right? तो इस केस में अगर हम अगर लिखते हैं, जैसे आप ऐसे सोचो pv equal to nrt लिखना है, y एक्सिस पे t है तो t को अलग किया एंड यहाँ पे इसको लिखा v by nr and into p लिख लिया, तो इस बार क्या दिख रहा है? जो tan थीटा है वो प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, तो पहले ए से बी अगर जा रहे हैं तो उस केस में जो आइसोकोर ड्रॉ होगा वो आपका स्टीपर आइसोकोर होगा, और जब बी की तरफ शिफ्ट करना होगा आपको तो आइसोकोर जो ड्रॉ करना पड़ेगा वो लेस स्टीप ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका मतलब वॉल्यूम लगातार क्या हुई है आपकी, डिक्रीज की है ये नहीं है? समझ आ रही है? पिछली बार याद करो हमने जब टेम्परेचर का प्रिडिक्शन करना था तो हमने क्या किया था, आइसोथर्म्स ड्रॉ किया था, याद है आपको? इस बार वॉल्यूम का प्रोडक्शन करना था तो हमने आइसोकोर्स ड्रॉ किया, तो ये एक चीज का ध्यान रखना, किसी ने अगर आपको ये बोला है कि टेम्परेचर प्रेशर ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन एक आइसोकोरिक प्रोसेस को ड्रॉ इंडिकेट करेगा, ट्रू और फॉल्स? टेम्परेचर प्रेशर प्रोसेस में अगर मैं एक
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो स्ट्रेट लाइन एक आइसोपोरिक प्रोसेस को इंडिकेट करेगा, ट्रू और फॉल्स? बताओ. अरे क्या हो गया सर? फॉल्स. ऑब्वियसली फॉल्स, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से अगर पास करेगा तभी आइसोकोर होता है ना. हाँ सर. राइट. एक रैंडम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे तो थोड़ी ना आइसोकोर है. आइसोकोर सबके नेसेसरीली ओरिजिन से पास करना चाहिए. ठीक है. और इस एप्लीकेशन में भी तो मतलब वो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो कांस्टेंट नहीं रहा. क्या बेटा फिर से बोलिए. तो मतलब इस एप्लीकेशन में भी तो वो एक स्ट्रेट लाइन है ए बी और परफॉर्मेंस डिक्रीजिंग कंटीन्यूअसली. सो हां हां ठीक है. आइसोकोर्स ऑन टीपी ग्राफ विल नेसेसरीली पास थ्रू ओरिजिन. Necessarily pass through origin. Origin से pass करना ही करना है उसको. चलो ठीक है. ये तो हो गया कुछ graphical चीजें आपको बताई. अभी identification की बात सीखें. Isocores को पहचानेंगे कैसे? Sorry, isocores को पहचानेंगे कैसे? मैंने isochoric process से कैसे पहचानेंगे? Piston fixed या container of fixed? Rigid container. Rigid container या पिस्टन फिक्स्ड है, ऐसा कुछ एक वर्ड आपको दिख रहा है. सो रिजिड कंटेनर सही कहा आपने. रिजिड कंटेनर दिया होगा और फिक्स्ड पिस्टन अगर वर्ड ऐड कर दिया होगा उन्होंने, तो यहां से आप देख के आप कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे कि आपका वॉल्यूम क्या है. फिक्स्ड है. करेक्ट. यस सर. चलो अभी आते हैं कैलकुलेशन पे. कैलकुलेशन मतलब डेल्टा क्यू डेल्टा यू एंड डब्ल्यू. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे सिंस वॉल्यूम फिक्स्ड है तो वॉल्यूम फिक्स होने से सबसे पहला चीज जो आपको स्ट्राइक करना चाहिए और वो क्या है? वर्क डन जीरो आ जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होना पिस्टन का. राइट. हाँ सर. जो वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम, वी राइट दिस एज पी डीवी एंड डीवी इटसेल्फ इज जीरो. अगर डीवी खुद ही जीरो है तो वर्क डन तो जीरो आया नहीं है. सो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस विल बी जीरो. वॉल्यूम फिक्स मतलब वर्क डन जीरो. ओके. डेल्टा यू की बात करें, डेल्टा यू का एक ही फॉर्मूला है ना, एन सी वी डेल्टा टी. क्या और फॉर्मूला कोई है? नो सर. नहीं. तो इसका मतलब यही फॉर्मूला आपको यूज करना है. अब डेल्टा क्यू चाहिए तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जब आप लिखते हो तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिखते हो और डब्ल्यू यहाँ पे जीरो आ चुका है तो इजन इट ऑब्वियस की डेल्टा क्यू की वैल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू. यानी कौन से प्रोसेस के लिख रहे हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए. समझ आ रही है? एंड ये वैल्यू आपकी मैच करेगी. दिस इज एन सी वी इन टू डेल्टा टी. समझ आई आपको? हाँ सर. हाँ सर. ओके. मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बोला था कि इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते वक्त आपको NCV डेल्टा T ही लिखना होता है हमेशा. ये प्रोसेस डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं होती है. ठीक है. अब ये चीज मैंने आपको क्यों बोला था उसकी बात करता हूँ. जैसे इंटरनल एनर्जी इतना तो पक्का पता था आपको कि वो स्टेट फंक्शन था क्योंकि हमने ये निकाल लिया था दैट वाज n टाइम्स ऑफ fr बाय 2 इनटू t. निकाला था या नहीं निकाला था? यस सर. आपको याद है हमने पहले उसको निकाला था n टाइम्स ऑफ fr बाय 2. याद करो हमने किससे निकाला था वो? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यूज करके. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता था कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kT का एनर्जी आएगा. तो अगर f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो f टाइम्स ऑफ हाफ kT लिखते थे. तो ये एक मॉलिक्यूल के लिए लिखते थे और वही अगर एक मोल के लिए लिखना होता था तो फिर क्या करते थे? F times of half RT लिखते थे. याद है आपको? राइट. और अगर number of moles n हो गए तो n times of FR by 2 into T कर लिया. किया था ना हमने ये? हाँ सर. याद आ रही आपको? अब ये सोचो कि मान लेते हैं कि अभी तक हमने वो substitution नहीं किया था, उसको CV substitute नहीं किया था. बट अब सोच के देखो, अगर मैं डेल्टा Q की वैल्यू को डेल्टा U निकाल चुका हूँ तो क्या हम इसको n times of FR by 2 into T लिखते या नहीं लिखते? लिखते. ठीक है. अभी फिलहाल के लिए सोचो आपने यहाँ पे सीवी नहीं लिखा है. मान लो आप सीवी नहीं जानते हैं. ठीक है. तो आप यहाँ पे n टाइम्स ऑफ एफ आर बाई टू इंटू डेल्टा टी लिखते या नहीं लिखते? लिखते. लिखते सर. अब ये सोचो, आपको ये भी पता है ना जो हमने सीखा था कि डेल्टा क्यू किसी भी प्रोसेस के लिए निकालते हैं, किसी भी प्रोसेस के लिए. तो इसको हम कैसे लिखते हैं? n इंटू सी फॉर द प्रोसेस इंटू डेल्टा टी. यही तो लिखते हो आप? यस सर. तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है? कौन सा आइसोकोरिक? तो इसको क्या लिखते हैं? एन सी वी इंटू डेल्टा टी लिखते हैं या नहीं? हाँ सर.
और इसको जब आप इक्वेट करोगे n टाइम्स ऑफ एफ आर बाई टू इन टू डेल्टा टी से, तो इज इट ऑब्वियस कि डेल्टा सी वी की वैल्यू आपकी एफ आर बाई टू आ जाएगी, आएगी? समझ आ रही है? तो इसी वजह से हमने उसको वहां पे वैसे ही सब्स्टिट्यूट कर दिया था बिना समझे कि सीवी वहां क्यों आया, बट यहाँ पे मैंने आपको ये समझा दिया कि सीवी क्यों आया। ये समझ आई आपको? आई होप आपको समझ आ गई कि सीवी क्यों लिखा था हमने एफ आर बाई टू को। ठीक है, जिसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो हमने आइसोकोरिक प्रोसेस भी कवर अप कर लिया, अभी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आइसोबेरिक प्रोसेस, सिंस हम कह रहे हैं आइसोबेरिक है मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा, और प्रेशर कांस्टेंट है मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V by T भी आपका कांस्टेंट रहेगा, और ये जो कांस्टेंट होगी दैट विल बी NR by P, होगी ना सर? स्क्रीन दिख फिर से हां बेटा शेयर करो, नेटवर्क का अभी दिख रहा है, देखो एक बार चेक करो। हां सर ठीक है, तो अगर वापस से अगर यहाँ पे किसी ने वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ड्रॉ किया, मान लो यहाँ पे वॉल्यूम ले रहे हैं और यहाँ पे टेम्परेचर ले रहे हैं, तो इसमें जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आना चाहिए ना फिर से, है ना? हाँ सर। और मान लो कि ये अलग अलग आइसोकोर्स आइसोबार्स हैं, इसके आइसोबार की वैल्यू पी वन है और इस आइसोबार की वैल्यू पी टू है, दीज आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। तो आइसोबार्स में कैसे डिसाइड करेंगे, एकदम बिल्कुल सेम तरीका, इसको हम टैन थीटा की तरह सोचेंगे क्योंकि वाई एक्सिस में आपका वॉल्यूम है, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है, तो एन आर बाई पी ही आपका टैन थीटा है, तो यहां से आपको ये कंक्लूजन मिल रहा है कि टैन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब है कि स्लोप अगर घटेगा, यहाँ पे देखो थीटा वन ये थीटा टू, स्लोप घट रही है मतलब प्रेशर बढ़ रहा होगा, तो यहाँ से आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि पी टू इज ग्रेटर देन पी वन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है। हाँ सर। ओके। अब आते हैं इस पे कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस प्रोसेस। बताओ कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा? मैंने इंट्रोडक्शन में ही, मतलब आज जब थर्मोडायनेमिक्स जब स्टार्ट कर रहा था तब मैंने ऑलरेडी समझाया था आपको, ये थोड़ा सा बोला था, मतलब आइसोबेरिक नाम टर्म यूज नहीं किया था बट समझाया था ये चीज। हीटिंग एक स्लो प्रोसेस होता है, ये बोला था आपको, याद है? हाँ सर। कोई भी चीज अचानक से गर्म नहीं होती है, उसको धीरे 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 करके गर्म किया जाता है, और मैंने आपको ये समझाया था कि अगर आपका पिस्टन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को अगर एक्सपोज्ड है, तो एटमॉस्फेयर तो एक कांस्टेंट प्रेशर फोर्स है ना, है या नहीं है? तो उस केस में बाहर से जो प्रेशर का फोर्स आएगा वो तो कांस्टेंट आएगा, और पिस्टन आपकी एक्सेलरेट नहीं कर सकती है, तो लॉजिकल ही है, पिस्टन ऐसा नहीं होता जंप कर जाएगा, तो पिस्टन अगर जंप नहीं कर रहा है मतलब वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो अंदर से और बाहर से फोर्सेस तो आपके हमेशा सेम होने चाहिए। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि सिंस बाहर से जो फोर्स आ रही है वो कांस्टेंट है, तो पक्का है आपके अंदर से भी जो फोर्स आनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या आपको बात समझ आई है? हाँ सर। अब तुम बोलोगे सर हमेशा तो ऐसा ही होगा, नहीं हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट एक्सपैंड करेगा ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, ये भी हो सकता है कि आपका पिस्टन जो है स्प्रिंग से अटैच्ड है, तो एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट भी यू नो एक्सपैंड कर रहा है, वो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट भी एक्सपैंड कर रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, बट क्या स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट होगा? नो सर। नहीं, वेरिएबल हो गया, तो वेरिएबल हो गया वो, तो इसका मतलब आइसोबेरिक नहीं होगा वो। वैसे ही सोचो अगर एक बड़ा सा चेंबर है गैस का, उसको ही मैंने दो पार्टीशन में डिवाइड कर रखा है, तो अगर उसको दो पार्टीशन में डिवाइड कर रखा है, तो लेफ्ट साइड से अगर मैं पुश मतलब लेफ्ट साइड से इमेजिन करो मैं गैस के चेंबर को हीट करना स्टार्ट करूं, तो उस केस में राइट का चेंबर मतलब जो चेंबर है मतलब जो पिस्टन है वो तो राइट की तरफ डिस्प्लेस होगा ना,
ओके नहीं, क्योंकि वहां का लेफ्ट का चेंबर का गैस गर्म होगा तो राइट की तरफ वो डिस्प्लेस करेगा पिस्टन को, करेगा राइट है ये नहीं है ना सर? एक बड़ा सा चेंबर को मैंने दो भाग में डिवाइड किया, बीच में एक पिस्टन लगा दिया है, तो उस केस में अगर लेफ्ट चेंबर को हीट करेंगे तो उस केस में आपका पिस्टन राइट की तरफ डिस्प्लेस करेगा, तो राइट का जो गैस है वो तो कंप्रेस हो रहा है, और कंप्रेस होगा तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं रहा इस बार। क्या आपको बात समझ आ रही है? यस सर। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या आपको ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी आपको ऐसा सिचुएशन दिखे कि जहां पे पिस्टन एक कांस्टेंट फोर्स के अगेंस्ट एक्सपैंड कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स के अगेंस्ट एक्सपैंड करने का मतलब एक ही केस है, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, तो फिर उस केस में आप श्योर हो जाना कि वो एक आइसोबैरिक प्रोसेस होगा, ठीक है? इफ द पिस्टन एक्सपैंड्स अगेंस्ट एटमॉस्फेयर और एनी अदर कांस्टेंट प्रेशर फोर्सेस then heating being a slow process piston never accelerates and thus the pressure inside also becomes constant. ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिफाई करने का तरीका हो गया। अब आते हैं कैलकुलेशंस पे। सबसे पहले डेल्टा यू की बात कर लेते हैं। डेल्टा यू का एक ही फॉर्मूला है, एन सी वी डेल्टा टी, है ना? एक ही फॉर्मूला है ना, इसका तो और कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, वर्क की बात करते हैं। वर्क के सब्सक्रिप्ट में पी लिख रहा हूँ, डेल्टा यू में जनरली मैं सब्सक्रिप्ट नहीं लिखता क्योंकि डेल्टा यू का हर एक केस में फॉर्मूला सेम है, बाकी सब में जो एंड रिजल्ट है वो डिफरेंट आता है, इसलिए मैं सबके लिए सब्सक्रिप्ट यूज कर रहा हूँ। सो वर्क निकाल रहे तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी लिखेंगे, इसको वॉल्यूम वी वन से वी टू तक इंटीग्रेट करेंगे। प्रेशर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो क्या इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है? और इंटीग्रेशन डीवी जब लिखोगे वी वन से वी टू तो सिंपली क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ये पी इंटू डेल्टा वी हो गया नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने मैकेनिक्स में मतलब वर्क पर एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था। एक आपने पढ़ा वर्क डन इज एफ डेल्टा एक्स और दूसरा आपने पढ़ा एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये दोनों कब यूज करते हैं ये तो पता है ना आपको? एफ डी एक्स इंटीग्रेट करके तब यूज करते हैं जब आपका क्या है वेरिएबल फोर्स है, और डायरेक्टली एफ डेल्टा एक्स यूज कर लेते हैं कब? जब कॉन्स्टेंट फोर्सेज के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, है ना? Yes, सेम चीज यहाँ पे भी है, सेम चीज यहाँ पे भी है। आप इंटीग्रेशन पीडीवी आप हर एक केस में लिख सकते हैं, वो जनरली आपका वेरिएबल प्रेशर वाला केसेस में आपका एप्लीकेशन आएगा, बट यही चीज अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है तो पी इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है, सिंपली पी डेल्टा भी हो जाता है। गेटिंग इट? यस सर। क्या इसी को एन आर इंटू डेल्टा टी लिखा जा सकता है? Yes, sir. क्या हमेशा पी डेल्टा वी को एन आर डेल्टा टी लिखा जा सकता है या सिर्फ आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए लिखा जा सकता है? बताओ। अरे सिंपल है ना सर, डेल्टा पीवी को हम हर प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं। देखो अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी है, आप एक डिफरेंशियल चेंज लो इसका, ठीक है? तो अब क्या लिखोगे? पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, यही तो लिखोगे ना? लिखोगे? अब ये सोचो अगर डेल्टा पी जीरो नहीं होगा तो क्या वो ऊपर वाला रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। समझ आ रही है? ये डेल्टा पी की वैल्यू जीरो क्यों लिखी हमने? सिंस प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तभी आप पी डेल्टा वी को एनआर डेल्टा टी लिख सकते हैं, अदरवाइज पी डेल्टा वी एनआर डेल्टा टी नहीं होता है। समझ आ रही है? समझ आ रही है? सो पी डेल्टा वी इज एनआर डेल्टा टी only in isobaric process, otherwise नहीं। clear है?
क्लियर है? हाँ सर। देखो डेल्टा यू निकल चुका है और डब्ल्यू भी निकल चुका है, तो क्या डेल्टा क्यू हम आराम से निकाल सकते हैं? अभी यहाँ से निकाल सकते हैं ना, डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दिस इज एन सी वी डेल्टा टी। डब्ल्यू की वैल्यू निकाल चुके हैं, एन आर डेल्टा टी। तो इसकी वैल्यू को अगर वापस से लिखा जाए तो ये हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ सी वी प्लस आर इंटू डेल्टा टी। लिख सकते हैं इसको ऐसा? लिख सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। और इसी को यहाँ पे वो सीपी से रिप्लेस कर देते हैं, सो ये हो जाएगा सीपी एंड इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। मतलब डेल्टा क्यू अगर आपको आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए निकालनी है तो आपको एन सीपी डेल्टा टी यूज करना है, जहां पे सीपी क्या है आपका सी वी प्लस आर। गॉट इट? यस सर। सी वी प्लस आर, और सीपी को यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बोलेंगे। This is molar specific heat capacity at constant pressure. और इसकी वैल्यू को आप लिखोगे, अगर सब्सिट्यूट करोगे तो एफ आर बाई टू प्लस आर लिख सकते हो। इसका मतलब ये हो जाएगा एफ प्लस टू डिवाइडेड बाई टू एंड इन टू आर। तो सी वी निकालने का तरीका तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, एफ आर बाई टू करके, उसके साथ बस आपको आर एड करना है, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा सीपी मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे यू नो आइसोबेरिक प्रोसेस होते हैं, और उस आइसोबेरिक प्रोसेस में आपको ये बता देते हैं कि कितना हीट एनर्जी हमने उस गैस को प्रोवाइड किया, और आपसे ये पूछते हैं कि बताओ कितना गैस ने वर्क परफॉर्म किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, लंबा तरीका, कि आप डेल्टा क्यू की वैल्यू को एनसीपी डेल्टा टी लिख लो, यहां से डेल्टा टी पहले निकालो और उसके बाद फिर ये डेल्टा टी को यूज कर लो डब्ल्यू निकालने के लिए। कि डब्ल्यू की वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, डब्ल्यू की वैल्यू को कैसे लिखा जाता है बताओ? एन आर डेल्टा टी यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा टी, राइट? तो डेल्टा टी जो आपने निकाल रखा उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। बट इससे बेटर तरीका है कि सिंस ये डेल्टा टी वाला टर्म तो सेम ही है, तो डेल्टा टी वाला टर्म अगर सेम है तो रेशियो से क्यों ना कैलकुलेट कर रहे हैं? रेशियो करेंगे तो तुरंत मिल जाएगा ना आपको, है ही नहीं है? है ही नहीं है? हाँ सर। तो अगर आपसे कोई ये पूछे, अगर मैं ऐसे सोचूं, मैं ये बोल रहा हूं कि फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी यूटिलाइज्ड utilized in changing temperature, मान लो आपसे ये पूछा है, what is the fraction of heat energy utilized in changing temperature in isobaric process of this, in isobaric process? तो क्या लिखोगे? Temperature change करने के लिए कौन सा part of energy use होता है? Delta U? है नहीं है? अच्छा। इसको कैसे लिखोगे आप? Delta U divided by delta Q, और delta U n Cv delta T होता है, और डेल्टा क्यू आपका एन सी पी इंटू डेल्टा टी होता है। तो ये हो गया सी वी डिवाइड बाई सी पी, और सी पी बाई सी वी एक कॉन्स्टेंट होती है जिसको हम गामा बोलते हैं या एडियाबेटिक एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये वाली टर्म को हम लिख रहे हैं, दिस इज वन बाई गामा लिख लिया। क्या आपको बात समझ आई है? समझ आई है आपको? सो हियर जो गामा है दिस इज सी पी बाई सी वी, और सी पी बाई सी वी अगर लिख रहे हो उसको, तो इसको आप लिखोगे तो सी वी प्लस आर लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड डिवाइडेड बाय सीवी लिख लिया। तो इसको ही लिखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, सीवी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो एफ आर बाई टू है, तो इसको लिख सकते हैं वन प्लस टू बाई एफ। देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या? कैन वी राइट? मतलब अगर आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता है तो ऑब्वियसली आपको गामा भी पता चल गया, पता चल गया ना? हाँ सर। This is adiabatic exponent of gas बोलते हैं इसको। तो adiabatic exponent किस पे dependent होगा? Atomicity पे। Adiabatic exponent of gas, ठीक है? इसका significance थोड़ी देर बाद और भी बताएंगे। Okay, anyways, further आगे move करते हैं। So therefore, अगर पूछा जाए fraction of heat energy supplied which is utilized by gas
in performing work. Performing work. अगर ये चाहिए आपको तो क्या लिखोगे आप? W divided by delta Q, and W मतलब N R into delta T. ये याद रखो कि isobaric process के लिए लिख रहे हैं. And यहाँ पे N Cp into delta T. तो यहाँ पे N N कट गया, delta T कट गया, ये आपका R by Cv plus R आ जाएगा. Got it? समझ आ रही है आपको? Okay. गामा की वैल्यू जैसे आप ध्यान रखना, यू नो एडियाबेटिक एक्सपोनेंट की वैल्यू एटॉमिसिटी से रिलेट कर रहे हैं उसको. एटॉमिसिटी यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ लिख रहे हैं, और यहाँ पे गामा जो कि आपका 1 प्लस 2 बाई एफ है इसको लिख रहे हैं. अगर मोनोटॉमिक होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3. 3. तो गामा की वैल्यू कितनी आएगी? 5/3, है ना? अब फ्रैक्शन में हमेशा याद रखो, ठीक है, फ्रैक्शन में हमेशा कैलकुलेशन हमेशा फ्रैक्शन में इजियर होता है. हाँ, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.67 है, ठीक है, बट कैलकुलेशन हमेशा फ्रैक्शन में करना, डेसिमल में कभी फ्रैक्शन नहीं कैलकुलेशन नहीं करेंगे. फिर अगर डायटॉमिक हुआ तो डायटॉमिक या फिर लीनियर पॉलीएटॉमिक भी हुआ तो क्या करेंगे? 5. गुड. और 1 प्लस 2 बाई एफ मतलब 7/5, इसका मतलब 1.4, राइट. और अगर नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक हुई, तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम? 6. और 6 किया मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4/3, और ये आ जाएगी आपकी 1.33 आ जाएगी. क्लियर है? इससे आपको एक चीज देख के पता चलेगा कि जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती है वैसे वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इंक्रीज करता है, बट गामा के वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज करती है, है नहीं है? हाँ सर. सो देयरफॉर विद इंक्रीज इन एटॉमिसिटी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी इंक्रीज करती है, बट गामा की वैल्यू आपकी डिक्रीज करती है. ठीक है, क्लियर है ये? यस सर. चलो अभी नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्रोसेस पे आते हैं, अडायबेटिक प्रोसेस या एडियाबेटिक जो भी बोले, अडायबेटिक अडियाबेटिक प्रोसेस. अडायबेटिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि बेसिकली डेल्टा क्यू जो होनी चाहिए आपकी वो जीरो होनी चाहिए. डेल्टा क्यू जीरो होने का मतलब है कि देयर शुड नॉट बी एनी हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए. मतलब कि एक परफेक्ट इंसुलेटिंग वॉल जैसे दिया हो, या फिर आपको बस आपको ये ध्यान रखना है कि सिस्टम को, मतलब जो भी गैसेस सिस्टम है उसको आप किसी भी तरह से बाहर के सराउंडिंग से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. आप या तो फिजिकली कंडक्टिंग वॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या इलेक्ट्रिकली भी कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे आपने एक तार के थ्रू अंदर में एक हीटर लगा दिया और वो तार को एनर्जी कौन, मतलब तार को बेसिकली करंट कौन प्रोवाइड करेगा? बाहर से तो आप करंट भेज रहे होंगे ना. समझ आ रही है आपको? हाँ सर. ठीक है, तो उसमें भी कनेक्शन हो गया है तो उसको भी नहीं मानेंगे. ठीक है, सो इसका सिंपल सा मतलब ये है, देयर शुड नॉट बी एनी हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. देयर शुड नॉट be any heat exchange between system and surrounding. ठीक है, तो इसको identify करने का तरीका क्या है? Identification कैसे होगी इसकी? मैंने आपको बताया इसका walls क्या होना चाहिए? Insulated wall. अगर उसने दे रखा है कि एडियाबेटिक वॉल्स हैं या इंसुलेटेड वॉल्स हैं तो बस इसी से समझ में आ जाना चाहिए, है ना? है ना? एक और तरीका भी हो सकता है, मतलब एक और वे में आपका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है. जैसे इमेजिन करो कि कोई भी एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत क्विक हो रहा है, बहुत क्विक. जैसे इमेजिन करो एक पिस्टन है और उस पिस्टन के वॉल्स कंडक्टिंग है, ठीक है,
बट मैंने क्या किया, पिस्टन को सडनली जोर से कंप्रेस कर दिया, सडन झटके देके। अगर झटका देके कंप्रेस करोगे तो सडन कंप्रेशन में तुम ये सोच के देखो, क्या इतने क्विक प्रोसेस में जहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपने उसका वॉल्यूम को सिग्निफिकेंटली डिक्रीज या इंक्रीज कर दिया होगा, तो क्या उस सिस्टम का, मतलब जो सिस्टम से सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज का उसको टाइम मिला है? नहीं मिला। हीट एक्सचेंज के लिए आपको हमेशा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम प्रोवाइड नहीं करोगे तो हीट एक्सचेंज कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब जितने भी क्विक प्रोसेस होंगे वो सारे क्या होंगे, आपके एडायबेटिक होंगे या नहीं होंगे, है ना? मैं ये नहीं, देखो दो चीजें हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करने की कोशिश करना, मेरे बातों को मिस इंटरप्रेट नहीं करना। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी क्विक प्रोसेस होंगे वो सारे अडायबेटिक होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अडायबेटिक प्रोसेस क्विक प्रोसेस होंगे। समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? अडायबेटिक प्रोसेस का मतलब है कोई हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग नहीं होना चाहिए। इसका पहला चीज मैंने आपको यही बोला कि अगर वॉल्स आपके इंसुलेटेड है सराउंडिंग के साथ तो समझ जाओ कि वो आपका क्या है, वो अडायबेटिक प्रोसेस है। और दूसरा आपको ये भी बताया कि अगर कोई भी क्विक प्रोसेस होता है तब भी आपका सिस्टम के साथ सराउंडिंग का हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलता है, इवन दो अगर वॉल कंडक्टिंग होगा तो भी उसको नहीं मिलेगा। तो उस तरह के केसेस में आप उसको डायबेटिक मानोगे। गॉट इट? जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और भी क्या है कि जैसे इमेजिन करो एक टायर है, टायर मान लो कि फट जाती है या बलून फट जाती है, तो बर्स्ट करेगा तो जो भी उसका गैस है वो सडनली एक्सपैंड कर जाएगा या फिर स्लो स्लो एक्सपैंड करेगा? सडनली एक्सपैंड, सडन एक्सपैंड होगा। और अगर सडनली एक्सपैंड हुआ इसका मतलब क्या है, देयर इज नो टाइम फॉर हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, है या नहीं है? और अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज का टाइम आपने नहीं दिया तो पक्का है कि उस केस में क्या होगा, ये अडायबेटिक प्रोसेस हो गया। गॉट इट? ठीक है, तो इसको मैं मेंशन कर दे रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका क्या है, वॉल्स आपके, वॉल्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब अडायबेटिक वॉल्स, ऐसा आपको टर्म दिखेगा, अडायबेटिक वॉल्स है। दूसरा, ऑल क्विक प्रोसेसेस आर नेसेसरली अडायबेटिक All quick processes are necessarily adiabatic since there is no sufficient time for heat exchange between system and surrounding, even if the walls are conducting. अगर walls conducting होंगे तो भी वहां पे नहीं हो पाएगा। समझ आ गई सभी को? Yes. समझ आ गई? ओके। अच्छा चलो, अब इसके प्रोसेस इक्वेशन की बात करते हैं। ऐसे प्रोसेस का जो प्रोसेस इक्वेशन होता है वो आपका ऐसा कुछ होता है, पी वी टू द पावर गामा, ये आपका कांस्टेंट आता है। अब ये कैसे आया उसको एक बार दिखाता हूं, छोटा सा डेरिवेशन आप देखो इसका। जैसे अगर ये यू नो अडायबेटिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो लिखना ज्यादा सही है या फिर डी क्यू इक्वल टू जीरो लिखना ज्यादा सही है? DQ. डेल्टा क्यू का मतलब है कि मे बी मैंने कुछ दिया और कुछ ले लिया और मिला के जीरो हो गया, यही तो मतलब निकला, है ना? इन वन पार्ट ऑफ प्रोसेस आई गेव इट सम हीट एंड इन सम अदर पार्ट आई एक्सट्रैक्टेड सम हीट एंड देन द नेट ट्रांसफर बिकम जीरो। बट अगर मैं DQ इक्वल टू जीरो लिखता हूँ तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि एक इनफाइनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन में भी कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, यही तो मतलब निकला ना? तो इसीलिए मैं इसको नहीं लिख के मैं DQ equal to zero लिख रहा हूं, ठीक है? और इसी से प्रोसीड कर रहे हैं। तो मान लेते हैं हमने DQ equal to zero लिखा है, तो DQ equal to zero को क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है DU plus DW, ये zero होना चाहिए, लिखा जा सकता है?
हाँ सर हाँ सर डी यू को लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं एन इंटू सी वी इंटू डी टी एंड डी डब्ल्यू को लिखे तो पी डी वी इक्वल टू जीरो ऐसा लिखा जा सकता है हाँ सर ठीक है ओके अब ये सोचो अभी हमने ऑलरेडी यूज किया था इसको सिंस पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है तो मैं क्या कर रहा हूँ ना एन और डी टी को मैं बेसिकली एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो पी डी वी प्लस वी डी पी इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं एन आर डी टी लिख सकते हैं अब इस इक्वेशन में मैं एन डी टी की वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ठीक है तो यहाँ देखो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सी वी इंटू पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाय एन इंटू अच्छा नहीं एन नहीं आएगा आर आएगा सिर्फ डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू सॉरी प्लस पी डी वी इक्वल टू जीरो देखो एक बार चेक करो सही है हाँ सर ठीक है ओके यहां से हम लिख सकते हैं सी वी प्लस आर इंटू पी डी वी प्लस सी वी इंटू वी डी पी इक्वल टू जीरो लिखा जा सकता है हाँ सर अब यहाँ पे सीवी से डिवाइड कर दो तो ये हो गया सीपी बाय सीवी इनटू पीडीवी प्लस वीडीपी इक्वल टू जीरो सही है हाँ सर अब इसको पीवी के प्रोडक्ट से भी डिवाइड कर दो सही है अब एडवांटेज क्या हुआ देखो ये पीपी कट गया ये वीवी कट गया और ये हो गया गामा इंटू डीवी बाई वी प्लस डीपी बाई पी इक्वल टू जीरो ये आ रहा है ना अरे अब अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो इसको इंटीग्रेशन किया तो ये वॉल्यूम वी वन से वी टू तक लिखोगे और यहाँ पे प्रेशर पी वन से पी टू लिखोगे और इक्वेशन क्या आएगा आपके पास गामा इंटू एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन ऑफ पी टू बाई पी वन यही तो लिखोगे ना लिखोगे इसका मतलब एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन का पावर गामा इज इक्वल टू एल एन ऑफ पी वन बाई पी टू ये आएगा और देखो आ गया रिलेशन देखो पी टू इंटू वी टू टू द पावर गामा is equal to P1 into V1 to the power gamma. इसका मतलब relation क्या मिला आपको? PV to the power gamma, ये constant होना चाहिए. समझ आई? Clear है? हाँ सर. ठीक है? आप derivation भूल जाएंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. बस आप ये याद रखिए कि process equation क्या है. So process equation क्या है इसका? PV to the power gamma, ये constant होना चाहिए. Gamma की value कितनी थी? 1 plus 2 by F. याद है आपको? ठीक है सीपी बाई सीवी और सीपी बाई सीवी करके ये बेसिकली आपको वन प्लस टू बाई एफ मिला था ओके इसी प्रोसेस इक्वेशन को आप अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं देखो ये जो पीवी टू द पावर गामा लिखा है ना आप उसको चाहें तो टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं वी कैन ऑलवेज यूज आइडियल गैस इक्वेशन जो है आपका पीवी इक्वल टू एनआरटी इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रोसेस चाहे कोई भी प्रोसेस हो पीवी इक्वल टू एनआरटी तो आप हमेशा यूज कर सकते हैं अब इमेजिन करो मैंने आपको बोला टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन चाहिए तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन चाहिए तो प्रेशर को एलिमिनेट करना है तो प्रेशर को एलिमिनेट करने का मतलब क्या है जो P है वो प्रोपोर्शनल टू T बाई V लिख सकते हैं नहीं इसका मतलब T बाई V इंटू वी टू द पावर गामा ये भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए समझ आ रही है आपको इसका मतलब T V to the power gamma minus 1 constant होना ये भी बेसिकली क्या है आपका adiabatic process ही है समझ आ रही है आपको हाँ सर ठीक है अगर मान लो आपको pressure और temperature का relation निकालना होता तो किसको eliminate करना है volume को हाँ सर yes sir ठीक है तो उसमें आप volume को eliminate करते हैं तो अगर वॉल्यूम को एलिमिनेट करते तो भी ऐसा रिलेशंस बन जाता देखो एक बार करके दिखाई देता हूँ
ये मान लेते हैं हमें इस बार हमें वॉल्यूम को एलिमिनेट करना है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन चाहिए, तो P इनटू वॉल्यूम को एलिमिनेट किया तो हम इसको T by P to the power gamma equal to constant कैसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? हाँ सर। इसमें तो रिलेशन क्या बना, देखो P to the power 1 minus gamma into T to the power gamma is equal to constant आ गया, समझ आ गई सबको? हाँ सर। हाँ सर। इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप इनको रटते नहीं है, आप रटते सिर्फ एक ही है, मतलब याद सिर्फ एक ही याद रखते हैं आप, पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट होना चाहिए एंड बाकी जिसकी जरूरत पड़े तुरंत से निकाल लेते हैं, ठीक है? ठीक है? हाँ सर। ओके, अब आते हैं ग्राफिक एनालिसिस पे। ओके, पीवी टू द पावर गामा एक कांस्टेंट है एंड गामा एक ऐसा नंबर है जो वन से बड़ा है, यही है ना? अच्छा, तो अब ये सोच के देखो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा या नहीं, दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, राइट? यस। तो मैं ऐसे सोचो P इंटू वी का पावर टू, ऐसे सोचो पी वी का पावर टू कांस्टेंट है, तो पी वी का पावर टू अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा नहीं घटेगा? घटेगा सर। राइट, तो इससे आपको ये पता चलता है विथ इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम आपकी डिक्रीज करनी चाहिए, और लीनियर वेरिएशन तो है नहीं, लीनियर वेरिएशन तो नहीं, इतना तो श्योर है ना? राइट, ऑल्सो आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर प्रेशर की वैल्यू को आप इन्फिनाइट करते हो तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, और अगर प्रेशर की वैल्यू को जीरो करते हैं तो वॉल्यूम इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल नेचर जो है वो वैसे ही है जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का था, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर घटेगा, यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे वॉल्यूम, बिल्कुल वैसा ही नेचर दिखेगा आपको, नेचर वैसा ही दिखेगा, क्या आपको बात समझ आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, एकदम बिल्कुल नेचर आपका मतलब यू नो आइसोथर्म की तरह ही दिखता है, दिखता है, आइसोथर्म है ये नहीं बोल रहा हूं मैं, आइसोथर्म की तरह दिखता है ये, ठीक है, बट ये तो प्रेशर वॉल्यूम के लिए है। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, इस बार है T V to the power gamma minus 1 constant होना, तो since gamma आपका 1 से बड़ा है तो ये वाला जो term है सोचो, ये वाला term जो है ये तो fraction हो गया ना, नहीं क्योंकि जो भी gamma की value है वो तो 2 से तो छोटी है, ये तो आपको पता चल ही रहा है, 1.67 सबसे बड़ा number बताया, याद है आपको 5/3, तो इसका मतलब ये तो fraction ही आएगा, बट फ्रैक्शन है मतलब जैसे कि ऐसे सोचो कि ऐसा वैल्यू है टी रूट वी इज अ कांस्टेंट, ऐसा ही तो कुछ है ना, जस्ट मतलब पावर कुछ चेंज होगा बट फ्रैक्शन तो ऐसे ही कुछ दिखेगा ना, होगा नहीं होगा? तो फिर से अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा या नहीं घटेगा? घटेगा सर। राइट, मतलब एक बढ़ा तो दूसरा घटा, फिर से वही लॉजिक आएगा, गेटिंग इट? यस सर। इसका मतलब With increase in temperature, volume आपकी decrease करनी चाहिए, और ये linear variation तो पक्का ही नहीं है, तो linear variation नहीं दिखाना है आपको, तो यहाँ volume लिया, यहाँ temperature लिया, और graph ऐसे ही draw करेंगे, ठीक है? ओके, अभी प्रेशर वाले पे आते हैं, तीसरा जो है वो आपके लिए था, ये था आपके पास कहाँ गया, P to the power 1 minus gamma, T to the power gamma, P to the power 1 minus gamma into T to the power gamma, this was a constant, इस बार गामा तो 1 से बड़ा है तो 1 minus gamma negative हो गया ना? हाँ सर। ये वाली जो टर्म है ये तो नेगेटिव हो गई है, और इस वजह से अब आप क्या कर रहे हैं, इसी को हम रीअरेंज कर रहे हैं, जैसे इसको रीअरेंज कर रहे हैं तो मैं ऐसे लिख रहा हूं टी टू द पावर गामा विल बी प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर गामा माइनस वन, कैसा लिखा जा सकता है? समझ आई सभी को? हाँ सर। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, है ना?
ठीक है, ये तो पता चल गया। बट जब कोई चीज इंक्रीजिंग ड्रॉ करेंगे, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये तो पक्का है। बट अगर इंक्रीजिंग दिखाना है आपके पास, तो दो ऑप्शन है। देखो यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर ले रहे हो और यहाँ पे प्रेशर ले रहे हो, तो या तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो, या तो ऐसे बढ़ा सकते हो। हाइपरबोला क्या क्या, फिर से बोलिए सर। एक क्या हाइपरबोला होगा? हाइपरबोला क्यों बोल रहे हैं? मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो बिल्कुल नहीं है। हाइपरबोला तो तब बढ़ रहा था ना जब एक बढ़ रहा था दूसरा घट रहा था। हाइपरबोला क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, तो अब ये दो पॉसिबिलिटी था, इनमें से कौन सा, ये कैसे डिसाइड करें? अब इसको डिसाइड करने के लिए जैसे आपको एक छोटे से ट्रिक बता रहा हूँ, वो ध्यान रखिएगा। जैसे कभी भी अगर आपको ऐसा रिजल्ट दिखता है y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n, ठीक है, अगर ऐसा रिजल्ट दिखता है, तो इसके तीन पॉसिबिलिटी होते हैं। यहाँ x ले रहे हैं और यहाँ पे y ले रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन, एक आपका डिक्रीजिंग स्लोप और एक आपका इंक्रीजिंग स्लोप। ये केस है n इक्वल टू वन का, ये केस है n लेस देन वन, डिक्रीजिंग स्लोप ना, x की वैल्यू बढ़ने से वैल्यू डिक्रीज, फ्रैक्शन होगा तो जैसे वैल्यू घटती जाएगी। हाँ, this will be for fraction. क्या लिखा मैंने, n less than one, n greater than zero but less than one. एंड ये वाला जो केस होगा, दिस विल बी एन ग्रेटर देन वन। अब ये क्यों किया, देखो जैसे आपको समझ में आएगा। अगर आप सोचो कि अगर आप dy by dx निकालते हो, dy by dx, तो इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हो n into x to the power n minus 1, लिखोगे ना, प्रोपोर्शनल टू लिख रहे हैं, ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल है। समझ आ रही है आपको? अब ये सोचो जो तीन पॉसिबिलिटी है, स्लोप कॉन्स्टेंट होने वाला है वो तो समझ में आ ही रहा है आपको, क्योंकि n की वैल्यू अगर 1 ले लेंगे तब तो x का पावर 0 हो जाएगा, है ना, मतलब वो तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। y प्रोपोर्शनल टू, अगर x लिख लिया मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। बट इमेजिन करो कि y प्रोपोर्शनल टू x का पावर फ्रैक्शन है, तो अगर x का पावर में फ्रैक्शन है तो x टू द पावर n माइनस 1 वो एक नेगेटिव टर्म हो गया ना, n माइनस 1 नेगेटिव टर्म हो गया। जैसे इमेजिन करो कि जस्ट ऐसे सोचो कि n का वैल्यू हाफ है सच, जैसे ऐसे सोचो तो डिफरेंशिएशन करने पे 1 बाय रूट x आ जाएगा, यानी आएगा आएगा ना सर। और अब आप सोचो x अगर बढ़ रहा है तो dy by dx घट रहा है या नहीं घट रहा है? समझ आ रही है? इसका मतलब जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे तो स्टीपनेस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और देखो पहले वाले जो ऊपर वाला ग्राफ है उसमें देखो स्टीपनेस घट रही है नहीं, चेक करो आप एक बार क्या क्या ये देखो, ये देखो स्टीपनेस घट रही है नहीं, दिख रही है आपको? हाँ सर। वही चीज अगर n की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होती, अगर n का वैल्यू 1 से बड़ा होता तो x टू द पावर n माइनस 1 में n माइनस 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता, राइट? और इससे आपको ये पता चलता कि अगर x बढ़ेगा तो dy by dx भी बढ़ेगा, इसका मतलब स्टीपनेस बढ़ना चाहिए। तो ये देखो स्टीपनेस बढ़ने वाला केस ये वाला है, थर्ड वाला। ओह, फिर से स्क्रीन फ्रीज हो गया। देखो समझ आई आपको? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ओके, अब इसको मैंने यहाँ पे क्यों बताया, अब आपको ये बताता हूँ। ये देखो t to the power gamma proportional to p to the power gamma minus 1 आ गया है। अब गामा तो 1 से बड़ा है, तो ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म, अरे फिर क्या लिखते हैं, ये टर्म चेक करो, ये टर्म एक फ्रैक्शन है ना। हाँ सर। इसका मतलब टी टू दुपा टी प्रोपोर्शनल टू, हम ये लिख सकते हैं पी टू दुपा गामा माइनस 1 बाय गामा, और ये वाला टर्म भी फ्रैक्शन हो गया। और अभी सीखा आपने फ्रैक्शन वाला कौन सा केस है, टी प्रोपोर्शनल टू पी टू दुपा फ्रैक्शन,
कौन सा केस है? टॉप वाला, ऊपर वाला ना, ऐसा कुछ होना चाहिए। समझ आया आपको? ठीक है, तो ये आपका ग्राफ का नेचर हो जाएगा। तो आप y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n वाला वो याद रखो, तीन केस, तो तुरंत से ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दो केस में बना है, PV का रिलेशन में और TV का रिलेशन में, बट PT के रिलेशन में ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं था, है ना? ठीक है, चलो अभी रिलेशन भी आ गया, हमारा ग्राफिकल एनालिसिस भी आ गया है। अब आते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। देखो, सिंस डायबेटिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू का वैल्यू तो जीरो होगा ही, है ना? ये तो डेफिनेशन ही है ना, राइट? हाँ सर। ठीक है, डेल्टा क्यू जीरो होना ही तो डेफिनेशन ही है, और डेल्टा क्यू अगर जीरो है तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू भी जीरो होना चाहिए, राइट? हाँ सर। इसका मतलब वर्क डन इन अडायबेटिक प्रोसेस विल बी नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, और डेल्टा यू तो एक ही फॉर्मूला है, एन सी वी इंटू डेल्टा टी, है ना? हाँ सर। इसका मतलब वर्क का एक्सप्रेशन भी यहाँ पे मिल गया आपको। इसी एक्सप्रेशन को अगर आप देखोगे तो बुक्स थोड़ा सा लंबा सा एक्सपैंड करके दिखाते हैं, बट मैं तो इसी से यू नो प्रेफर करता हूँ, क्योंकि डेल्टा यू का एक ही फॉर्मूला है और उसके बाद फिर इसी का जस्ट नेगेटिव लेना है, ये बस ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि डेल्टा क्यू जीरो हो गई है। इसी को एक्सप्रेस करके वो अलग तरीके से लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज रिटन एज नेगेटिव ऑफ एन टाइम्स ऑफ, देखो सीवी की वैल्यू को हम एफ आर बाई टू लिख रहे थे, ऑल्सो गामा की वैल्यू वॉज वन प्लस टू बाई एफ, तो क्या ये एफ आर बाई टू को आर बाई गामा माइनस वन लिखा जा सकता है क्या? देखो तो। हाँ सर। देखो एक बार चेक कर लो, सभी दिख रहा है सभी को? तो इसको उन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने ऐसे लिखा एन आर बाई गामा माइनस वन, और डेल्टा टी को लिख लिया टी टू माइनस ऑफ टी वन, और इसको फिर एक्सपैंड किया तो इसको ऐसे लिखा एन आर टी वन माइनस ऑफ एन आर टी टू एंड डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन, और फिर इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा दिस इज पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू एंड डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। समझ आई आपको? आई होप आपने केमिस्ट्री में तो ये याद रखा होगा, याद रखा था आपने लास्ट वाला रिजल्ट, एंड रिजल्ट याद रखा है क्या आपने? पी वन वी वन माइनस पी टू, राइट? अब ये सोच के देखो आप, ये क्या अलग से कुछ याद रखने का चीज है या फिर जस्ट ये नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू ही है? नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। तो फिर अननेसेसरी का दिमाग पे बर्डन क्यों डालना है एक एडिशनल फॉर्मूला के साथ? तो बस इतना याद रखो कि नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू ही होता है, और कुछ अलग से याद ही नहीं रखना आपको। ठीक है, आप ये ध्यान रखना कि सीवी की वैल्यू को हमने एक और तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। ठीक है, जो आपका एफ आर बाई टू सिर्फ लिखते थे, अभी इसको हमने एक और चीज सीखा, ये आर बाई गामा माइनस वन भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए, तो कैलकुलेशन भी आपका हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कैलकुलेशन भी कंप्लीट कर लिया हमने। अब सिंस मैंने आपको ये बताया कि अडायबेटिक प्रोसेस हो या आइसोथर्मल प्रोसेस हो, दोनों का नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर था ना, था ही नहीं था? हाँ सर। ग्राफ में नेचर की बात कर रहे हैं, ये तो सिमिलर ही था। सो अभी हम एक काम करते हैं, इसको कंपैरिजन कर लेते हैं किनों की, जैसे उनमें से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सो कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडायबेटिक प्रोसेस, एक कंपैरिजन बेसिकली ग्राफिकल कंपैरिजन है और कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं लिखना शायद भूल गया यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, बोला था बट लिखना शायद दिखा नहीं है मैंने। All quick processes are necessarily adiabatic since there is no sufficient time for heat exchange between system and surrounding even if the walls are conducting. ठीक है, इसमें बस ये नहीं ऐड किया, एग्जाम्पल में जो बताया आपको बस्टिंग ऑफ टायर्स बताया था ना आपको, है ना, ये लिखा नहीं था मैंने, आप लिख लेना इसको बस्टिंग ऑफ टायर्स और बलून्स। जैसे उसमें क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कि मैंने बोल रखा है कि टायर को मैंने यू नो सर्टेन प्रेशर में यू नो बंद करके रखा हुआ है गैस को, और उसके बाद वो अचानक से फट जाता है, तो अचानक से फटेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाएगा, तो प्रेशर सडनली डिक्रीज किया है, तो पूछते हैं कि बताओ टेम्परेचर में क्या चेंज आया है, टेम्परेचर कैसे चेंज करेगा, तो वो टेम्परेचर का चेंज आपसे पूछते हैं तो निकाल सकते हैं। बस आपको क्या यूज करना है, पी टू द पावर वन माइनस गामा, टी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ आ रही है आपको?
ठीक है, उससे यूज करके आप निकाल सकते हैं. ओके, कंपैरिजन बिटवीन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस करते हैं. अगर मान लेते हैं पी वी का पावर एन एक कांस्टेंट दिया हुआ है आपको, ठीक है, इफ पी वी का पावर एन इज अ कांस्टेंट, देन अगर आप डीपी बाई डीवी निकालते हो तो ये क्वांटिटी आती है माइनस ऑफ पी एन टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ एन इंटू पी बाई वी आती है. ये सिंपल डिफरेंशिएशन है, आप ट्राई करके देख सकते हैं. एरर फॉर्मूला ही लगा लो, आपको पता चल जाएगा. एरर फॉर्मूला में लिखोगे क्या लिखोगे, डीपी बाई पी प्लस एन टाइम्स ऑफ डीवी बाई वी इक्वल टू जीरो लिखोगे या नहीं, लिखोगे या नहीं? हाँ सर. और उससे दिख ही रहा है ना, यार है, तो इसको याद रखिए आप, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. इसको याद रखते हैं कि अगर पीवी टू द पावर एन कॉन्स्टेंट है तो डीपी बाई डीवी आपकी माइनस ऑफ एन इंटू पी बाई वी आएगी. तो इसका मतलब अब इसको दो जगह से यूज करते हैं, एक है आइसोथर्म के लिए और एक है आपका एडायबेटिक के लिए. आइसोथर्म में एन की वैल्यू वन होगी ना, होगी नहीं होगी? हाँ सर. इसका मतलब अगर डीपी बाई डीवी अगर निकाला जाए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो ये होगा सिंपली माइनस ऑफ पी बाई वी. और एडायबेटिक प्रोसेस के लिए एन की वैल्यू आपकी गामा होगी जो कि आपकी ग्रेटर देन वन है नहीं है? Yes, इसका मतलब डीपी बाई डीवी अगर एडायबेटिक प्रोसेस के लिए निकाला जाए तो ये वाली वैल्यू आएगी माइनस ऑफ गामा इंटू पी बाई वी. अब इमेजिन करो कि अगर गैस को इनिशियली हम सेम प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, मतलब इनिशियल कंडीशन जो पीवी का है वो सेम है, तो उस केस में अगर एक बार आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू लेके जाए और एक बार एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू लेके जाए तो डीपी बाई डीवी का मैग्नीट्यूड मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम है वो ज्यादा किसका होगा, एडियाबेटिक का होगा ना, क्योंकि वहां पे गामा है. तो इसका मतलब यहां से हमें देख के ये पता चल रहा है कि डीपी बाई डीवी जो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होगी दैट विल बी गामा टाइम्स ऑफ डीपी बाई डीवी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. तो इससे पता चला कि एडियाबेटिक प्रोसेस विल बी स्टीपर, एडियाबेटिक प्रोसेस इज मोर स्टीप कंपेयर टू आइसोथर्म एट सेम प्रेशर वॉल्यूम पीवी कंडीशन. ठीक है, जैसे ग्राफ में आपको दिखाता हूं तो आपको बेटर समझ आएगा. जैसे इमेजिन करो यहाँ पे दिस इज वी दिस इज पी और इमेजिन करो ये एक स्टेट है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार हम इस प्रोसेस के थ्रू लेके जा रहे हैं और एक बार ये प्रोसेस है. मैंने आपको बता दिया कि ये वॉल्यूम वी वन है और एक फाइनल वॉल्यूम वी टू तक मैं इसको लेके गया. एक बार मैं इसको लेके गया आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू और एक बार लेके गया एडियाबेटिक के थ्रू. अब बताओ इसमें से कौन सा एडियाबेटिक है कौन सा आइसोथर्मल है, बताओ? ऊपर वाला आइसोथर्मल. गुड, क्योंकि वो लेस स्टीप है. सो ये आपके लिए हो गया आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी जीरो और ये हो गया आपका एडियाबेटिक मतलब डेल्टा क्यू जीरो. क्लियर है? क्या इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो नीचे होगा वो एडियाबेटिक होगा, कैसा कह सकते हैं? सिर्फ एक्सपेंशन में ही सही होगा, कंप्रेशन में सही नहीं होगा. देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंप्रेशन में तो सर एडियाबेटिक ऊपर चला जाएगा. एग्जैक्टली. तो इस बार इमेजिन करो कि यहाँ से ये वॉल्यूम हमारा वी वन है, कंप्रेशन कर रहे हैं और फाइनल वॉल्यूम वी टू पे कंप्रेस कर रहे हैं और इस बार दो प्रोसेस के थ्रू फिर से वैसे ही कर रहे हैं. ये देखो आपको दिख रहा है कौन सा ज्यादा स्टीपर है, ऊपर वाला है ना. इसका मतलब ऊपर वाला हो गया आपका एडियाबेटिक और नीचे वाला हो गया आपका आइसोथर्मल. समझ आइए? हाँ सर. अच्छा अब ये बताओ मुझे कि इसमें वर्क डन बाय द गैस किसमें ज्यादा आएगा, आइसोथर्म में या एडियाबेटिक में? आइसोथर्म.
ऐसे वाले में आइसोथर्मल में ज्यादा आएगा क्योंकि उसके नीचे का एरिया कैसा है ना। सेकंड वाले में डायबिटिक में होगा। सेकंड वाले में अडायबेटिक में ज्यादा होगा क्योंकि उसके नीचे का एरिया ज्यादा है। बट आपने ये ध्यान दिया कि सेकंड वाले में वर्क नेगेटिव आएगा, ये आपने ध्यान दिया? ध्यान दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। तो फिर गलत हुआ ना आपका आंसर, नहीं। है ना, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव में 10 बोल रहा हूँ और नेगेटिव में 5 बोल रहा हूँ तो फिर कौन सा बड़ा है, नेगेटिव 5 या नेगेटिव 10? नेगेटिव 5। समझ आ रही है आपको? बट हाँ, अगर ये बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द गैस तब आपका आंसर सही हो जाता। समझ आ रही है आपको? ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर हम बात करें तो वर्क डन इन अडायबेटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड दैट इज ग्रेटर देन जीरो, एक्सपेंशन है। यहाँ पे बात करें तो वर्क डन इन अडायबेटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये पक्का है। बट वर्क इज नेगेटिव हो गया है या नहीं है? राइट right? समझ आ रही है आपको? बट अगर आप मैग्नीट्यूड यहाँ पे लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन अडायबेटिक प्रोसेस लेते हैं। अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ओहो उल्टा लिख दिया, नहीं ठीक ही तो लिखा है, ठीक है। बट अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क लेते, नहीं गलत लिख दिया मैंने सर, पहले वाला ही, ओ पहले वाला ही गलत लिख दिया। ओहो क्या किया मैंने, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन अडायबेटिक प्रोसेस, सब ठीक है। और यहाँ पे भी अब ठीक है, यहाँ पे भी गलत हो गया। आइसोथर्मल प्रोसेस ग्रेटर देन अडायबेटिक प्रोसेस, सब ठीक है। ठीक है ना, अभी चेक करो, देखो एक बार। हाँ सर, ठीक है, मैंने जो बोला सब उल्टा पुल्टा लिखा था। अब देखो आपको डिफरेंस समझ आ रहा है ना, वर्क हमेशा साइन के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, साइन के साथ, ध्यान रखना इसको। गॉट इट? यस सर, यस सर। ओके अच्छा इमेजिन करो कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को अगर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट गैसेस या डिफरेंट गैसेस की कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ adiabatics of different gases, अभी सोचो ये जो dp by dv हमने निकाला adiabatic process के लिए, ये हमने निकाला minus of gamma into p by v, तो अगर same pressure volume पे अगर हमने सारे gases को रखा है at same initial pv, ठीक है, अगर हम बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि dp by dv proportional to gamma होगी? कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। और आपको ये पता है ना, with increase in atomicity gamma की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज करती है। इसका मतलब कि जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा होगी उसकी स्टीपनेस कम होनी चाहिए ना, है ना, इसका मतलब ग्रेटर एटॉमिसिटी इंप्लाइज लेसर स्टीपनेस होना चाहिए। तो इसको ग्राफ में अगर आप दिखाओगे कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे पी, यहाँ पे वी, यहाँ पे मान लो कि तीन गैसेस मैंने आपको दे रखे हैं, एक है हीलियम, एक है हाइड्रोजन और एक है ओजोन, कौन सा होगा? बताओ सबसे ऊपर वाला कौन सा है? ओजोन। गुड, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर हाइड्रोजन आएगा एंड फिर हीलियम आएगा,
समझ आई सभी को? हाँ सर। ओके, अगर मान लो कि आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एक छोटा सा एप्लीकेशन करते हैं फिर आज का क्लास खत्म कर लेते हैं। इमेजिन करो ऐसा दे रखा है, अ गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम V1 टू V2 स्टार्टिंग फ्रॉम सेम इनिशियल कंडीशन, फ्रॉम सेम इनिशियल कंडीशन वाया three different processes, namely एक है isothermal, एक है adiabatic और एक है आपका isobaric। आपको compare करना है उनको work done के हिसाब से, compare work done by gas। गैस का वर्क का ऑर्डर क्या होगा, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, बताओ। अगर आप एक्सप्रेशन देखोगे तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप आइसोथर्मल में वर्क डन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं आप यहाँ पे, NRT ln V2/V1, याद है आपको? एडियाबेटिक में अगर वर्क डन निकालोगे तो ये नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू था और इसकी वैल्यू आपने निकाली थी, दिस वाज nr इनटू डेल्टा t एंड डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ डेल्टा u था, तो नेगेटिव ऑफ यहां पे गामा माइनस 1 आ जाएगा। एंड फिर वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस, ये आपका pdv था जो कि आपका nr डेल्टा t बना था, nr इनटू डेल्टा t हो जाएगा। आप ये सोच के देखो क्या इससे कंपैरिजन हो पाएगा आपका? बोलो बेटा। सर आइसोबेरिक का सबसे ज्यादा है, उसके बाद आइसोथर्मल, उसके बाद एडियाबेटिक। रीजन सर, रीजन है आइसोबेरिक में तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा, और उसके बाद तो आइसोथर्मल में ऐसे ही एडियाबेटिक से ज्यादा होता है क्योंकि वो कम स्टीफ होता है। दैट्स इट, मतलब ग्राफिकल एनालिसिस का बेस्ट तरीका होता कि आपने यहां पे वॉल्यूम फिक्स कर दिया V1 से V2 और उसके बाद सेम इनिशियल कंडीशन से आपको स्टार्ट करना और तीन प्रोसेस लेना। आइसोबेरिक लोगे तो यहाँ पे ये आइसोबेरिक हो गया, फिर अगर आप आइसोथर्मल लोगे तो ये आइसोथर्मल हो गया, फिर एडियाबेटिक लोगे तो ये डायबिटिक हो गया। तो सबसे ज्यादा एरिया किसके अंडर का है? आइसोबेरिक के लिए तो है ना, है ना? हाँ सर। डेल्टा पी जीरो, ये डेल्टा टी जीरो और ये डेल्टा क्यू जीरो। तो क्लियरली आपको ये पता चल गया कि वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। समझ आ गई सभी को? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अगर कंप्रेशन होता तो सेम ऑर्डर होता या डिफरेंट ऑर्डर होता? डिफरेंट। थप्पड़ मारूंगा अभी, डिफरेंट। यहां पे क्या सीखा था अभी, यहां क्या सीखा था बताओ मुझे, क्या सीखा था यहां पे? सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर गया था। 2 सेकंड का भी मेमोरी नहीं है। बताया कि यहाँ पे स्टीपनेस जो है डेफिनेटली बढ़ गया है, बट नेगेटिव वर्क है यहाँ पे, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ कंसिडर करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, सेम ऑर्डर रह गया है ना? हाँ सर। ठीक है, भूलना नहीं। नहीं सर, सॉरी। ठीक है, चलो।